हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स टुडे ओके ये बात जो मैं भी बोलने वाली हूँ ये काफ़ी बार मैंने दूसरे चैप्टर्स में भी रिपीट किया है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड से चालू करोगे बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है एक बार बॉन्ड करने के बाद इक्विटी और मर्जर्स ये दोनों चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इन अ फैमिली बिकॉज दर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी देयर ओके तो आगे बढ़ने के पहले Uh, एक बात जो काफी बार आगे भी बोलूंगी फिर भी शुरू करने के लिए मुझे बोलना जरूरी है वो ये है दैट कोई भी एसेट इस दुनिया में हो उसकी एक मैक्सिमम वर्थ होती है ओके okay? आपके सब्जेक्ट के अंदर में आपको दो सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन सीखनी है ब्रॉडर बेसिस वैसे तो आपको हर चीज की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको फॉरेन करेंसी की भी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी फ्यूचर्स की भी करनी पड़ेगी ऑप्शंस की भी करनी पड़ेगी बट दो ब्रॉड इंस्ट्रूमेंट जो मेन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका नाम है इक्विटी और बॉन्ड तो आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स में और इक्विटी के बारे में पढ़ोगे आप वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में ओके okay? तो जिस बॉन्ड के बारे में या जिस डिबेंचर के बारे में या जिस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं We assume, यह सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होगी एट दिस पॉइंट ऑफ लाइक स्टार्टिंग द लेक्चर बिकॉज इसके ऊपर आगे सवाल नहीं आना चाहिए वो ये है कि जिस भी डिबेंचर या बॉन्ड या फिक्सड इनकम सिक्योरिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बॉन्ड या वो डिबेंचर या वो फिक्स इनकम सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडेबल है हम नॉन ट्रेडेबल फिक्सड इनकम सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे ओके okay? बिकॉज जो नॉन ट्रेडेबल होगा लाइक अ टर्म लोन उसकी वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है वो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहती है दैट डज नॉट चेंज एज पर द चेंजेस इन द मार्केट एक्चुअली सो फर्स्ट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट व्हाट एवर बॉन्ड और डिवेंचर और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी नॉट अबाउट अ नॉन ट्रेडेबल सिक्योरिटी बिकॉज द कैलकुलेशन वुड बी रेलिवेंट ओनली फॉर अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे भी भूलना नहीं मैं आपको याद दिलाती रहूंगी ओके okay? चैप्टर का नाम मॉड्यूल में दिया हुआ है सिक्योरिटी वैल्युएशन तो वी हैव बाइफरकेटेड चैप्टर इनटू टू पार्ट्स वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बिकॉज दोनों टॉपिक अपने आप में इतने ज्यादा बड़े हैं कि अगर मैं एक सिंगल लेके चलूं तो इट विल बिकम अ नॉन स्टॉप थिंग ओके एंड पीपल एंड स्टूडेंट्स गेट बॉर्ड मेनी टाइम्स तो दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि पढ़ाई भी अच्छी से और डिटेलिंग में हो पाए ओके okay? आगे बढ़ने के पहले गाइज एक चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो ये है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा पूछना बहुत सही तो नहीं होगा बट फिर भी मैं पूछूंगी दैट आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी बॉन्ड समझने के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है बिकॉज देयर वुड बी एन एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन वो क्यों वो आपको मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ चैप्टर जब शुरू ही कर रही हूं तो दो फॉर्मुला टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो बहुत ज्यादा यहां पे यूज होंगे उसके बारे में रिफ्रेश करके अपन आगे बढ़ते हैं ओके सो लेट्स गो हेड एंड सी मैं आऊंगी बॉन्ड्स पे मुझे दो मिनट का टाइम चाहिए प्लीज ओके नाउ एस आई टोल्ड यू दैट हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लगेगी इसके अंदर में राइट तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज एंड कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज बट कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू में थ्री टाइप्स ऑफ कैश फ्लो के बारे में हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं और थ्री टाइप्स ऑफ कैश फ्लो का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं नंबर वन फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम फ्यूचर वैल्यू ऑफ अन ईवन कैश फ्लो एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लमसम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अनईवन कैश्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्योलोगे क्या होता है एफडी जब आप अपना पैसा किसी एफडी में डालते हो पांच सालों के लिए ओके तो वो जो अमाउंट है वो लमसम है ओके नंबर टू अन ईवन कैश लो का मतलब हुआ हर साल अमाउंट अलग अलग है किसी साल 100 किसी साल 200 एंड सो ऑन एन्य मतलब होता है हर साल वो अमाउंट सेम होगा ओके okay? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई अज्यूम गाइज दैट आपको ये अच्छे से आता है बट सिर्फ रिविजन करने के लिए टू फॉर्मूलाज आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर एंड दे आर मे बी थ्री पॉसिबली कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ओके, ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लमसम जरूरी है लमसम ज्यादा बातें नहीं करेंगे डायग्राम से सीखेंगे अपन ने। ओके okay. यहाँ पे जीरो है ये फिफ्थ ईयर है यहां पे वन थाउजेंड रुपीज इज स्टैंडिंग मैं आपको ये बोल रही हूं इस पैसे का आप यहां पे वैल्यू लाके बताओ कितनी वैल्यू होगी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट वो क्यों आप समझो वो बात जिस चीज को मैथमेटिक्स में आप प्रेजेंट वैल्यू बोलते हो उसी चीज को हम फाइनेंस में प्राइस या वैल्यू बोलते हैं तो अगर मैं आपको ये बोलती हूं कि आप प्राइस निकालो तो इवेंचुअली मेरे बोलने का मतलब है कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आएगा तो नेचुरल सी बात है आपको प्राइस निकालना भी आएगा तो थ्री टाइप्स ऑफ कैश लोस विल बी गिवन टू यू ओके एक लमसम एक अमाउंट पांच साल के एंड पे खड़ा है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ओके तो फॉर्मूला आता है अपना फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस्ट टू दावर एन ओके ये वन देन टू देन थ्री एंड देन फोर इज हियर ओके नाउ हियर तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा दिस विल बी फ्यूचर वैल्यू इनटू वन डिवाइड बाय वन प्लस आर अरेस्ट टू दावर एन सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू थाउजेंड पावर फाइव ओके आई होप यू ऑलरेडी नो टू हाउ टू कैलकुलेट दैट वन थाउजेंड इन अगर आप वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो फाइव टाइम्स अगर आप इक्वल टू करते हो पहली बार करोगे तो कैलसी पे आपको नजर आएगा पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स सेवन फाइव वन थर्ड वैल्यू फोर्थ पॉइंट सिक्स एट थ्री एंड पॉइंट सिक्स टू वन ओके okay, फिर से बोलू पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सिक्स एट थ्री एंड पॉइंट सिक्स टू वन सो पॉइंट सिक्स टू वन इसकी वैल्यू हो गई सिक्स ट्वेंटी वन यू नो वॉट मैथमेटिकली इसको आप क्या बोलोगे कि वन थाउजेंड की प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ टेन परसेंट फॉर फाइव ईयर्स इज सिक्स ट्वेंटी वन लेकिन मैं इसको अगर बॉन्ड्स के टर्म्स में या फिनेंस के टर्म्स में बात करूं तो अपन ये भी बोल सकते हैं अगर मैंने ये चीज अगर सब समझो ये बॉन्ड है बॉन्ड मुझे पांच सालों के बाद हजार रुपया देने वाला है तो अगर मैं अगर मैं आज 621 पे खरीदती हूं और पांच सालों के बाद अगर मैं हजार रुपया लेती हूं और सपोज इफ आई बाय दिस बॉन्ड एट द प्राइस ऑफ 621 ट्वेंटी वन टूडे एंड आई गेट वन थाउजेंड रुपीज आफ्टर फाइव ईयर्स देन वी आर अर्निंग टेन परसेंट पर एनम फॉर फाइव ईयर्स आप ये भी बोल सकते हो दैट टेन परसेंट मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है मतलब मुझे अपने पैसे से टेन परसेंट का रिटर्न चाहिए ओके okay? अगर ये बॉन्ड अगर ये बॉन्ड मुझे मार्केट में सिक्स ट्वेंटी वन से कम में मिला ओके okay? इसका मतलब यह हो गया दैट मेरा आउटफ्लो कम हुआ माई कॉस्ट हैज गॉन डाउन इन दैट सिनेरियो आई विल नॉट एंड अर्न टेन परसेंट आई विल अर्न मोर देन टेन परसेंट एंड अगर ये बॉन्ड की प्राइस 621 से ज्यादा हुई मार्केट में तो नेचुरली द बॉन्ड इज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड अगर समझो 650 हुई तो मैं 10 परसेंट नहीं कमा पाऊंगी गाइस मुझे 10 परसेंट से कम मिलेगा ओके सो हियर 1000 थाउजेंड इज वॉट यू गेट ऑन द डे ऑफ मेचोरिटी सिक्स ट्वेंटी वन इज प्रेजेंट वैल्यू और प्राइस एंड टेन परसेंट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच यू वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम योर मनी ये आपको मैंने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बता दिया आपको मैंने बॉन्ड्स के टर्म्स में बता दिया बस यही कैलकुलेशंस आपको ब्रॉडली करनी है एंड नेचुरली और भी थोड़े टेक्निकल्स होंगे ओके okay? आगे बढ़ती हूं नाउ हियर बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अन ईवन कैश फ्लो अन ईवन कैश फ्लो ओके So possibly I will write like this 0, 1, 2, 3, and 4. Okay? 100, 200, 300, and 400. I want you to calculate the present value of all these cash flows, guys, at the rate of 10%. Okay? Now here year 1, 2, 3, and 4. Cash flow is 100, then 200, then 300, and 400. Now प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ टेन परसेंट विल भी पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन एंड पॉइंट सिक्स एट थ्री ओके नाउट द प्रेजेंट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट जो टोटल आएगा आपका वो आपका प्रेजेंट वैल्यू होगा मतलब हर साल द अमाउंट इज यूनिक एंड डिफरेंट ओके तो ये अन ईवन कैश फ्लोज हो गया है न सिमिलरली अगर 100, 200, 300, 400 की जगह पे ये 100 ही होता हर साल तो उसको अपन क्या बुलाते उसको बोलते अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ओके नाउ द सी पार्ट okay? सी में मैं ले रही हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ओके नाउ हियर अगेन टाइमलाइन डाल रही हूं मैं यहां पे ये यह हो जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पे हंड्रेड यहाँ पे हंड्रेड 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 और हंड्रेड मैं चाहती हूँ इन सब पैसों की आप जीरो पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताओ ओके okay. तो ये हो जाएगा गाइज दिस इज एन्यूटी बेसिकली तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, हंड्रेड सपोज द वे वी वेंट देर ऐसे कर लेती हूँ ईयर वन टू थ्री फोर एंड फाइव कैश फ्लो इज हंड्रेड देन हंड्रेड देन हंड्रेड हंड्रेड एंड हंड्रेड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ टेन परसेंट इज पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स एट थ्री एंड पॉइंट सिक्स टू वन आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 90.9, पॉइंट नाइन एटी टू पॉइंट सिक्स देन सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्सटी एट पॉइंट थ्री एंड सिक्सटी टू पॉइंट वन ये टोटल करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई Guys, ये करने का ना एक और भी आसान तरीका है आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन जीरो फाइव टाइम्स इक्वल टू करोगे और जी करोगे ना एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो आपको आएगा थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो एट आपको पता है ये क्या है दिस इज फैक्टर पी वी एफ फैक्टर फॉर टेन परसेंट फाइव ईयर्स ओके तो अगर मैं हंड्रेड को 3.7908 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आने वाला है 379.08 आप करके देखो ये 379.08 के लगभग ही आंसर होगा आई एम श्योर यू अंडरस्टूड कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है by 1 डिवाइड बाई वन पॉइंट टाइम्स इक्वल टू जी टी ग्रैंड टोटल ओके ग्रैंड टोटल जब आपने किया तो आपने बेसिकली कुछ नहीं किया आपने इन फैक्टर्स को ऐड कर दिया और उसकी जगह पे आपको मिला ये और आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 379.08 आप किसी भी मेथड से जाओ आपको आंसर सेम आना है ओके सो दिस वाज द ब्रशिंग अप ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर ये बहुत बड़ा एग्जॉस्टिव चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट वी विल नॉट बी एबल टू गेट इन टू टू मच ऑफ डिटेलिंग लेकिन एस एफ एम में जहाँ जहाँ जो जो लगता है वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी मुझे पता है प्रेजेंट वैल्यू लगता है बॉन्ड में बहुत ज्यादा एंड दैट टू प्रेजेंट वैल्यूज दैट इज वाई आई टू क ब्रश अप आई होप आई नो इट इज इजी इन एवरी एवरीवडी नोज दैट बट फिर भी मुझे लगता है कि डिस्कस करके जाना अच्छा रहेगा है ना तो मुझे लगता है आगे हमें सबसे पहले बॉन्ड का सिलेबस देखना चाहिए कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना क्या क्या है तो कैज आई हैव प्रिपेयर्ड जस्ट यहाँ पे और आपकी जो शीट है मैंने वहां भी वही सारी हेडिंग्स दिया है तो प्लीज आप देखो ये वाला कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड मतलब वो आपको कैश लोज देंगे ओके okay, जैसे मैंने कैश फ्लो आपको दिए हजार रुपया मेचोरिटी पे वो कैश फ्लो मैंने आपको दिया और मैंने आपको आर ओ आर दिया और मैंने आपको बोला कि बताओ इस बॉन्ड के लिए जो कि हमें पांच सालों के बाद हजार रुपया देने वाला है और दस परसेंट से अगर डिस्काउंटिंग हो रही तो उसकी आज की प्राइस क्या होनी चाहिए ओके okay? इसको बोलते हैं कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होना चाहिए शुड बी प्राइस ऑफ द बॉन्ड मार्केट में जो चल रहा है वो एक्चुअल वैल्यू है ओके okay? वो आप ध्यान रखना प्लीज जब आप एक्चुअल वैल्यू को शुड बी वैल्यू से इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा वेदर द बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड अगर अंडर वैल्यूड होगा तो हम बाय करेंगे बिकॉज आई विल बी अर्निंग मोर देन माई आर ओ आर अगर ओवर वैल्यूड होगा तो हम नहीं बाय करेंगे बिकॉज मुझे जो रिटर्न चाहिए उस प्राइस पे खरीद के मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है आई एम गेटिंग लेसर अमाउंट ऑफ रिटर्न बी इन्फॉर्म्ड ओके ओके तो कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड नंबर टू टाइप्स ऑफ ईल्ड मेजर्स ओके तो क्या क्या यील्ड मेजर्स वी हैव टू स्टडी विथ रेस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक का नाम होता है करेंट ईल्ड ईल्ड टू मेचोरिटी और वाई टी एम एंड रियलाइज ईल्ड कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इंटरेस्ट रेट एंटीसिपेशन एंड पोर्टफोलियो चर्निंग डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज देन टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स देन स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स

50 मिनट्स का 40-50 मिनट्स का अपलोड कर रखा है वो आप चाहो तो जाके देख सकते हो आपको पूरा टॉपिक समझेगा लेकिन मैं ये भी करूंगी कि आपको जो फोल्डर मिलेगा लेक्चर का उसके अंदर भी वो लेक्चर मैं आपको प्लेस कर, कर दूंगी तो आपको यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा कवरेज पूरी हो जाएगी कोई कोई ना कोई, कोई तरीके से है ना तो सबसे पहले कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इजिएस्ट वन ऑफ ऑल एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट इज वाई जहां मुझे जरूरत होगी वहां मैं आपको जरूर लिख के दिखाऊंगी जहां मुझे जरूरत नहीं होगी वहां पे पर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे ओके सो मिक्स एंड मैच फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड नाउ द वैल्यू और प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कूपन एंड सबसे पहली चीज द प्राइस ऑफ एनी अट आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो द प्राइस ऑफ एनी अट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फिर से बोल रही हूं द प्राइस ऑफ एनी असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू टेड फ्यूचर कैश लो डिस्काउंटेड एट द रिकायफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर मतलब एक एसेट की प्राइस क्या होनी चाहिए टाइम लाइन पे कैश लोस डालो फ्यूचर के पास्ट के नहीं फ्यूचर के कैश लाइन पे डालो उसका आर ओ आर पे डिस्काउंटिंग करो मतलब सबको जीरो पे लाओ और वहां लाने से जो वैल्यू आती है वही उस एसेट की प्राइस होती है यही मतलब हुआ इसका वेरी सिंपल द वैल्यू और प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कुपनशन अब जब मैंने एसेट बोला तो मैंने कैश फ्लो बोला लेकिन जब मैं बॉन्ड बोलूंगी तो वो कैश फ्लो विल बी कन्वर्टेड इनटू कूपन एंड रिडेम्शन अमाउंट एक बॉन्ड या डिबेंचर आपको क्या देगा आपको कूपन्स देगा एट द एंड ऑफ द सेड मेचोरिटी मतलब साल में एक बार तो देगा ही साल में एक बार से ज्यादा भी दे सकता है प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन वो सब में बोलेंगे राइट right? तो मैं सिंप्लीफाइड वर्जन लेती हूं साल में एक बार साल के एंड पे अगर आपको कूपन देता है और मेचोरिटी के दिन आपको रिडेम्शन अमाउंट आपका प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट वापस करता है यही तो फर्क है इक्विटी और बॉन्ड में गए यही फर्क है कि इक्विटी में आपका आ, वो स्टॉक मरता नहीं है ना राइट बिकॉज वी अज्यूम दैट पीपल विल कम पीपल विल गो कंपनी हमेशा चलती रहेगी गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हैं एंड दैट इज वाई इक्विटी की वैल्यूएशन हम परपैचुटी के हिसाब से करते हैं लेकिन बॉन्ड या डिबेंचर की मैचोरिटी परपैचुटी नहीं होती इन्फिनिटी नहीं होती एक दिन जरूर आएगा पांच साल दस साल बीस साल तीस साल वो बॉन्ड रिडीम होगा और जब वो बॉन्ड रिडीम होगा तो देन यू आर गोइंग टू गेट योर प्रिंसिपल अमाउंट बैक इक्विटी में ऐसा नहीं होता अगर आपको स्टॉक नहीं चाहिए तो आपको मार्केट में स्टॉक बेच के अपना प्रिंसिपल रिकवर करना पड़ेगा आप कंपनी को जाकर के स्टॉक रिडीम नहीं कराते ओके द वैल्यू और प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कूपन एंड रिडेमशन अमाउंट डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ओके तो फॉर्मूला आता है V0 ये कुछ भी नहीं है कूपन है गिव मी सम टाइम समाइम एक्सप्लेन यू दैट ओके नाउ ये फॉर्मूला लिखा है C इन टू पी वी ए आर कॉमा एन समझाती हूँ दो मिनट दो आप आर ए पी वी आई एफ आर कॉमा एन कंसिडर अ थ्री ईयर बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू रुपीज वन थाउजेंड एंड कूपन रेट ट्वेल्व परसेंट पर एनम पेबल एनुअली

ओके, सो समय क्या बोला है एग्जाम्पल हियर द फेस वैल्यू इज रुपीज वन थाउजेंड देन कूपन इज ट्वेल्व परसेंट पर एन एम राइट ना फिर लिखा हुआ है एन इक्वल टू थ्री ईयर्स द बॉन्ड इज करेंटली सेलिंग एट नाइन फिफ्टी सेवन एंड आर ओ आर ऑफ द बॉन्ड इज थर्टीन परसेंट पर एन एम हमें इसकी वैल्यू निकालनी मतलब निकाल है मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम लाइन पे डालना बहुत जरूरी है सो देन वन देन टू एंड थ्री ट्वेल्व परसेंट ऑन वन थाउजेंड कूपन विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू ओके सो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंड प्लस थाउजेंड अगर सब में कुछ भी नहीं बोला है तो रिडेम्शन विल ऑलवेज हैपन एट पार फेस वैल्यू और पार वैल्यू और थाउजेंड ओके ये कैश फ्लोज है अब मैथमेटिकली इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको नहीं लगता कि ये जो, ये जो जो स्ट्रीम है दिस इज बिहेविंग लाइक एन्यूटी राइट एंड दिस इज बिहेविंग लाइक अ लमसम ये एन्यूटी है राइट right? और ये लमसम है तो आई मीन वेट इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली राइट तो अपने क्या करेंगे तो मैंने क्या लिखा है वी जीरो वैल्यू एट जीरो

अपने पैसे से थर्टीन परसेंट कॉमा थ्री ये थ्री का मतलब होता है वन ट्वेंटी थ्री टाइम्स प्लस वन थाउजेंड इंटू पी वी आई एफ थर्टीन परसेंट कॉमा थ्री ओके तो बेसिकली गाइस कैसे लिखेंगे अपन वी जीरो इक्वल टू आपको पता मैं कैसे सॉल्व करती हूँ वन ट्वेंटी इन सबसे पहले आई विल ट्राई टू सोल्व फॉर दिस अब हजार को मुझे लाना है यहां पर राइट तो तीन साल की डिस्काउंटिंग होनी चाहिए थर्टीन परसेंट के हिसाब से वन डिवाइड बाईड बाई वन पॉइंट वन थ्री थ्री टाइम्स इक्वल टू वन टू थ्री आई गेट पॉइंट सिक्स नाइन थ्री हियर वन थाउजेंड इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन ये वैल्यू आई मतलब इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको कि अगर एक रुपया मेचोरिटी पे तीन साल के एंड पे खड़ा है तो उसकी आज की वैल्यू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन है तो हजार की कितनी होगी इसको ही अगर मैं जीटी कर दू जो कैलसी पे चल रहा था यह आएगा टू पॉइंट थ्री सिक्स वन टू ओके ये जो मैंने ऊपर थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो आपको निकाल के दिखाया ना इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जब आप करते हो थ्री पीवी फैक्टर्स का टोटल आता है यानी इसका यह मतलब हुआ कि एक अगर तीन बार आता है सौ बीस तीन बार वन टू थ्री तो उन तीनों एक सौ बीस की वैल्यू जीरो पे क्या होगी नथिंग मोर देन दैट ओके सो वी जीरो प्लस 693.1 सिक्स पॉइंट डबल फोर ये वैल्यू हो गई इसका पता है आपको मतलब क्या हुआ अगर ये बॉन्ड में नाइन सिक्स पॉइंट डबल फोर पे आज खरीदूं और ईयर वन में वन ट्वेंटी ईयर टू में वन ट्वेंटी इयर थ्री में वन ट्वेंटी और ईयर थ्री में वन थाउजेंड अगर मुझे मिले देन आई एम अर्निंग थर्टीन परसेंट पर एनम फॉर थ्री इतलब तेरह परसेंट कमाने के लिए मैं नाइन सिक्स पॉइंट फोर फोर तक देने को तैयार हूं आज लेकिन अगर ये बॉन्ड 976 से कम में मुझे मिल गया आई विल भी हैप्पी बिकॉज देन द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड एंड आई विल बी अर्निंग मोर देन थर्टीन परसेंट एंड द बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अंडर वैल्यूड अगर यह बॉन्ड की प्राइस मार्केट में इससे ज्यादा हुई देन आई विल नॉट बाय द बॉन्ड बिकॉज अपने पैसे से मुझे मिनिमम तेरह परसेंट चाहिए और अगर मैंने इसे ज्यादा पे खरीदा तो मुझे थर्टीन नहीं मिलेगा थर्टीन से कम मिलेगा एंड द बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज ओवर वैल्यूड ओके सो वेन एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रेंसिक वैल्यू जो आपने फॉर्मूला से निकाला वो इंटरेंसिक वैल्यू है इफ एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू देन द बॉन्ड इज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड ओके देखते हैं सम में में एक्चुअल प्राइस 957 है दैट मीन्स 976 से कम चल रहा है प्राइस राइट दैट मीनस द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड विल राइट हियर सिंस एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन इंटरेंसिक वैल्यू

आई होप गाइज इतना तो सबको ही समझ में आया होगा बिकॉज ये सिंपल है आगे बढ़ रही हूं टाइप्स ऑफ ईल्ड मेजर्स टाइप्स ऑफ ईल्ड मेजर्स ओके बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको तीन तरह के ईल्ड मेजर्स पढ़ने हैं ओके नंबर वन इज करेंट ईल्ड नंबर टू इज ईल्ड टू मेचोरिटी एक और है उसका नाम है रियलाइज ईल्ड ये मैंने यहां पे नहीं लिखा है ओके okay? नाउ करेंट ईल्ड करेंट इल्ड का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने कूपन बाय प्राइस इंटू हंड्रेड तो कूपन बाय प्राइस इंटू हंड्रेड जब आप लिखते हो तो आपने नोटिस किया कि फॉर्मूला में सिर्फ एक कूपन कंसिडर हो रहा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है बॉन्ड दस साल का हो पंद्रह साल का हो या बीस साल का हो लेकिन हमने सिर्फ कंसिडर किया है एक कूपन ओके डोंट यू थिंक दैट ये फार्मूला देखे ऐसा लग रहा है दैट जो भी आदमी ये ये कूपन या ये मेथड यूज कर रहा है ही इज बेसिकली अ वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो बॉन्ड खरीदेगा एक कूपन रिसीव करेगा और एग्जिट कर जाएगा ओके तो ये दिस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ ईल्ड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लाइक मैक्सिमम मेचोरिटी वुड रेंज फ्रॉम लाइक अ फ्यू मंथ्स टू वन ईयर नॉट मोर देन दैट तभी अगर एक साल से ज्यादा या आदमी अगर लंबे टाइम तक बॉन्ड में रहेगा तो फिर वो अपनी इनकम में एक कूपन कंसिडर नहीं करेगा वो जितने दिन तक रहेगा और जितने कूपन आएंगे वो सारे कंसिडर करेगा सो बेसिकली करेंट ईल्ड इज अ मेजर विच कैन बी यूज बाई अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मार्केट में जाता है कूपन लेता है और बाहर निकल जाता है ओके वेरी वेरी सिंपल देन ईल्ड टू मेच्योरिटी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ईल्ड टू मेच्योरिटी वाई लाउ लिसन टू मी ytm दो तरीके से बताने वाली हूँ हाउ टू कैलकुलेट वाई टी एम तो ईल्ड टू तो मेच्योरिटी क्या होता है मतलब, मेचोरिटी तक जीरो आप जिस दिन आप खरीदे हो उस दिन से लेके मेचोरिटी तक बॉन्ड जितने भी पैसे हमें दे रहे हैं वो सारे कंसिडर करके बताओ कि हमने बॉन्ड से कितना कमाया ये मतलब होता है वाई का ओके सो नाओ बेसिकली कैन वी से दॉन्ड इज आई आर आर ऑफ द बॉन्ड ओके एंड वाई टी एम कैन बी कैलकुलेटेड बाई टू मैथड नंबर वन द शॉर्टकट मैथड एंड ट्रायल एंड एर मैथड दोनों बता रहे आपको आप देखना यहाँ पे अब यहां पे मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेशन मेथड और शॉर्टकट मेथड वाई टी एम इज इक्वल टू सी प्लस एफ माइनस पी एन द होल डिवाइड बाई एफ प्लस पी बाई एन बाई टू इंटू हंड्रेड अभी समझाऊंगी फॉर्मूला आपको अगर समझो कि कोई बॉन्ड है राइट है तो पांच साल का बॉन्ड है और वो लास्ट सम ही ले लो ना आप और बारह परसेंट का कूपन है तो सी में क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी एफ माइनस पी एफ स्टैंड फॉर लिखा हुआ है एफ स्टैंड फॉर रिडेपन अमाउंट एंड पी स्टैंड फॉर प्राइस तो बेसिकली एफ माइनस पी क्या हो गया आपका कैपिटल गेन एफ आपका रिडेम्शन अमाउंट है पी आपकी प्राइस है तो एफ माइनस पी इज योर कैपिटल गेन अब आप मिसमैच देखो कूपन पर एन एम है और कैपिटल गेन तो पूरे पांच साल का है. इन ऑर्डर टू मेक बोथ द वैल्यूज एट पार मैंने क्या किया एफ माइनस पी को बाई एन कर दिया तो एफ माइनस पी बाई एन करोगे तो वो हो गया कैपिटल गेन पर एन एम ओके तो कूपन पर एन एम प्लस कैपिटल गेन पर एन एम बिकम्स वॉट इनकम पर एन एम इनकम पर एन एम डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट ओके दैट इज गिविंग यू वाई आप नोटिस करना इस फॉर्मूला के अंदर में हमने कंपाउंडिंग को इग्नोर किया है दिस कैलकुलेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट मेथड ओके लेकिन यह फार्मूला यूज करने की आपकी एक लिमिटेशन होगी ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो मैंने लिखा है यहां पर इन ऑर्डर टू यूज द अबव मैंशनड इक्वेशन द कूपन रेट मस्ट बी फिक्स नेचुरली वो सी में एक ही कूपन होना चाहिए 120, 120, 120, 120, 120. देन ओनली यू कैन यूज दिस फार्मूला नंबर टू द प्रिंसिपल शुड बी रिडीम्ड वन शॉर्ट अगर आपका बॉन्ड का जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है रिडेमशन अमाउंट है अगर वो इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा तो आपका एफ एक नहीं होगा अलग अलग हो जाएंगे तो यह फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते शॉर्टकट मेथड टू कम्प्यूट द बॉन्ड वी नीड टू फुलफिल बोध द कंडीशन नंबर वन द कूपन रेट मस्ट बी फिक्स एंड रिडेमशन शुड हैपन वन शॉर्ट अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप मुझसे पूछोगे कि मैम लेकिन अगर समझो कि बॉन्ड अगर समझो आप कि बॉन्ड का कूपन फ्लोटिंग है मतलब बॉन्ड हर साल हमें अलग अलग कूपन देता है और या फिर बॉन्ड का रिडेम्शन वन शॉट नहीं है इंस्टॉलमेंट में हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर समझो सामने ये बोला कि दस साल का बॉन्ड है और बॉन्ड का रिडेम्पन अमाउंट हजार है तो अगर वन शॉट हुआ टेंथ ईयर के एंड पे 1000 एक साथ आएगा अगर फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट में हुआ तो सेवेंथ में 250, फिफ्टी एट्थ में 250, फिफ्टी नाइन्थ में 250 और टेंथ में 250, ऐसा आएगा उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते देन हाउ विल आई कैलकुलेट वाई एम ऑफ द बॉन्ड अगर कूपन फिक्स नहीं है और प्रिंसिपल रिडेम्पशन वन शॉट नहीं है देन हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट द वाइटिंग ऑफ द बॉन्ड देन यू कैन नॉट यूज द शॉर्टकट मेथड यू विल हैव टू यूज अप्रॉक्सीमेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड वेयर वी नीड टू इंटरपोलेट एंड कंप्यूट द आंसर आई होप यू अंडरस्टूड लेटेस्ट टेक एक्जाम्पल फॉर बोथ ऑफ देम एंड देन गो हैड कटिया इट इज रिटर्न इफ इधर ऑफ द कंडीशन आर नॉट मेट और बोथ आर नॉट मेट वी कैन नॉट यूज द शॉर्टकट मैथड रादर वी नीड टू यूज ट्रायल एंड एरर मैथड और आई आर आर मैथड वाई टी एम इज एक्चुअली आई आर आर ऑफ द बॉन्ड इट कंसिडर्स कूपन इनकम ध्यान देना एक बात का ये जो प्रेजेंट वैल्यू मॉडल होता है ना प्रेजेंट वैल्यू मॉडल जो आप वैल्यूएशन करने के लिए यूज कर रहे हो ये कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो आप प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है और वो ये है कि अगर आप पांच साल का बॉन्ड खरीदे समझना राइट right? और आपको पांच सालों तक हर एक साल के नीचे एक मिले ओके okay? आप एक निकाल के खर्च नहीं कर सकते ट अमाउंट हैज टू बी री इन्वेस्टेड अगेन जीरो फोर एंड फाइव सपोज वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी मैं ये बोलना चाह रही हूं ये आप खर्च नहीं कर सकते आपको इसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा कब तक जब तक की मेचोरिटी ना आ जाए यहां से यहां यहां से यहां यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये यह सारे पैसे यहाँ पे जमा होंगे प्लस हजार तो होगा यहाँ पे और ये सारे पैसे री इन्वेस्ट होंगे और वो पहुंचेंगे यहाँ पे एक साथ जमा होंगे और उसकी वापस पूरे की डिस्काउंटिंग करके जीरो पे जो लाते हैं वो ही प्रेजेंट वैल्यू होता है आप निकाल के 120 खर्च नहीं कर सकते सो so, वाई जो रिटर्न है बॉन्ड का उसके अंदर क्या क्या है हमें क्या क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी यानी कूपन इनकम नंबर टू द रिडेशन अमाउंट और द कैपिटल गेन अगर आपने ये बॉन्ड नाइन हंड्रेड में खरीदा यहां पे ओके नाइन हंड्रेड में अगर खरीदा है तो बेसिकली थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड इज योर कैपिटल गेन ओके एंड और क्या मिला यू आर गेटिंग वो जो 120 आपने री इन्वेस्ट किया ना 120 जो वन ईयर में मिला उसको आपने चार साल इन्वेस्ट किया सेकेंड में जो मिला उसको थ्री इयर्स इन्वेस्ट किया फोर्थ में जो मिला उसको एक साल इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन वट राइट तो बेसिकली वाई टी ऑफ अ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स नंबर वन द कूपन इनकम द कैपिटल गेन एंड द री इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द कूपन री इन्वेस्टेड

थोड़ा बोल के छोड़ूंगे शायद आपका पहले पढ़ावा है तो आपको थोड़ा क्लिक तो करेगा ओके okay? तो मैंने क्या लिखा है इट कंसिडर्स कूपन इनकम कैपिटल गेन एंड इंटरेस्ट ऑन री इन्वेस्टेड कूपन फॉर्मूला लिखा है यहां पे मैंने पूरा हियर सॉल्विंग द वाई टी एम मीन्स सॉल्विंग फॉर आर आई एम रिमूविंग दिस ओके ओके सो नाउ here सॉल्विंग फॉर YTM टी एम for सॉल्विंग फॉर आर इन द अबव So इक्वेशन सो वाई टी एम इंडिकेट्स the रेट एट of द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ equates फ्रॉम द बॉन्ड्स the द आउटफ्लो और प्राइस ओके एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूं आगे बढ़ने के पहले बॉन्ड खरीदूं कि नहीं खरीदूं ये डिसाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं नंबर वन आपकी जो आर आर है उससे आप डिस्काउंटिंग करो और डिस्काउंटिंग करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को लाइक द एग्जाम्पल दैट वी डिड फॉर द फर्स्ट हैंड राइट उस वैल्यू को आप एक्चुअल मार्केट प्राइस के साथ में आप कंपेयर करो राइट right? अगर आपने जो वैल्यू निकाली दैट मीन्स इंटरेंसिक वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू मतलब आपके हिसाब से प्राइस होनी चाहिए सौ रुपए और मार्केट में चल रहा है एक सौ दस रुपया राइट तो वो बॉन्ड क्या हो गया ओवर वैल्यूड राइट तो आप नहीं खरीदोगे बॉन्ड दैट मीन्स अगर आपको आपका आर आर ओ आर पता है दैट मीन्स आपको ये भी पता है ये भी, ये भी पता 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 तो क्या निकलेगा वी जीरो निकलता है आप वी जीरो इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल के मार्केट की प्राइस के साथ में कंपेयर करके डिसाइड करोगे खरीदूं कि नहीं खरीदूं। दूसरा भी तरीका है डिसाइड करने का नंबर वन वो ये है दैट वी जीरो में आप मार्केट की प्राइस लगा दो सब्स्टिट्यूट कर दो सी को रखो एन को रखो आर ए को रखो एन को रखो सॉल्व फॉर आर

किसी और प्राइस पे खरीद भी नहीं सकते बिकॉज और किसी प्राइस पे अवेलेबल नहीं है तो मैं बॉन्ड को नहीं खरीदूंगी लेकिन अगर आई ऑफ द बॉन्ड इज सपोज 13% एंड मुझे अपने पैसे से 12% ही चाहिए देन डेफिनेटली आई विल बाय द बॉन्ड बिकॉज आई एम गेटिंग मोर डेफिनेटली ओके सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द आई आर आर ऑफ द बॉन्ड और वाई टी एम ऑफ द बॉन्ड टू मैथड्स नंबर वन द शॉर्टकट मैथड एंड नंबर टू ट्रायल एंड एरर मेथड और आई आर आर मैथड अब दोनों में से मैम कौन सा यूज करें अगर सम के अंदर कूपन का रेट फिक्स है सुनना बहुत डाउट आते हैं इस बात पर अगर कूपन का रेट फिक्स है और प्रिंसिपल रिडेम्शन वन शॉर्ट हो रहा है तो यू कैन गो फॉर शॉर्टकट मेथड क्योंकि आप डाउट पूछो आप बोलोगे मैम लेकिन सही तरीका तो आई आर आर है ना बिल्कुल सही बात है यही सही तरीका है लेकिन अगर कूपन की रेट फिक्स है और अगर प्रिंसिपल वन शॉट है इन सिनेरियो बिलीव मी गाइस आपका आंसर शॉर्टकट से और ट्रायल एंड एरर मेथड से ज्यादा वेरी नहीं करेगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे डिपेंड्स अगर सम के अंदर पूरा का पूरा सम अगर YTM के ऊपर फोकस चल रहा है तो यू विल गो बाय ट्रायल एंड error मेथड बिकॉज पूरे मार्क्स उसके ऊपर हैं। लेकिन इफ YTM calculation is कैलकुलेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग सम यू विल नॉट गो बाय दिस वन ट्रायल एंड method. मेथड यू कैन गो बाय शॉर्टकट मेथड वरना आपका टाइम बहुत जाएगा आई होप आई एम क्लियर लेट्स गो हैड नाउ Question Consider the following data regarding the bonds issued by Neha Limited on March 15, 2003 to be redeemed on 15th March 2010. Face value of the bond rupees 100 issued at discount of 10%, redeemable at a premium of 10%, interest payable semi annually 8% per annum. Current market price as on March 15, 2005 is rupees 95. Compute. Dhyan बेसिकली बॉन्ड की जो ओरिजिनल मेचोरिटी है वो सेवन ईयर्स बिकॉज 2003 से 2010 हजार सात साल होते हैं लेकिन अपन कहाँ पे खड़े हैं अपन खड़े हैं 2005 में एक चीज हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आप जहां पे खड़े हो आपकी कैलकुलेशन वहां से चालू होती है अगर आज आप बॉन्ड खरीद रहे हो सपोज मतलब पंद्रह मार्च दो को तो जो बॉन्ड ने कूपन पीछे दे दिया वो आपको तो मिले नहीं ना तो अगर आपको वो कूपन मिले नहीं है तो आपके लिए कंसिडरेशन में आएगा भी नहीं वो तो आपका वाई का जो पीरियड कैलकुलेशन होगा वो पांच ही होगा सात नहीं होगा अगर समय उन्होंने पूछा कि कंप्यूट वाई टी एम सिंस इश्यू डेट तो अलग बात है वरना इट हैजू बी फाइव इयर्स ओनली सो आई एम सेइंग सेम कंप्यूटर बीई वाई एंड ई वाई वाई टी एम तो आपको समझा बी वाई एंड ये वाई दो मिनट में आपको समझाती हूँ बेसिकली गई यहाँ पे यू कैन सी कूपन रेट भी फिक्स है और प्रिंसिपल रिडेमशन भी वन शॉट है लेकिन सिर्फ एक चीज है दैट बॉन्ड इज सेमी एनुअल ओके तो अगर बॉन्ड सेमी एनुअल होगा तो साल में दो बार कूपन पे करेगा ओके okay? तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़े चेंज किया है जस्ट लुक एट प्रोपरली सी बाई एम एफ माइनस पी बायन इंटू एम सिंपल है एफ प्लस पी बाई टू इंटू हंड्रेड नाउ हियर कूपन एम का मतलब क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट यानी कि अगर सौ रुपए का कूपन साल में एक बार आता है अगर आप दो बार लोगे तो सौ सौ रुपए दो बार नहीं मिलेंगे पचास पचास रुपया तो सौ डिवाइड बाई टू एम अगर सेमी एनुअल बॉन्ड होगा तो एम विल बिकम टू अगर क्वार्टरली होगा तो दैट विल बिकम फोर डिपेंड्स ओके सो सी बाई एम प्लस एफ माइनस पी डिवाइड बाई एन इन टू एम तो बेसिकली अगर पांच साल है तो दस सेमेस्टर हो जाएंगे दैट वे तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा इनकम पर सेमेस्टर इनकम पर सेमेस्टर डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट विल गिव यू दाइ टीएम पर सेमेस्टर आपका आएगा एंड दैट इज वॉट वी हैव कैलकुलेटेड लुक एट हियर अब देखो आठ परसेंट का कूपन है कहां गया वो सेमी एनुअल एट परसेंट पर एनम ओके तो एट परसेंट ऑन हंड्रेड इज एट रूपीज तो एट डिवाइड बाई टू बिकॉज सेमी एनुअल है राइट ना यही वाला देखो आप ये वाला हंड्रेड एंड टेन माइनस नाइन्टी फाइव क्यों बिकॉज द बॉन्ड इज रिडीमेबल premium ऑफ टेन परसेंट तो हंड्रेड प्लस टेन परसेंट विल गिव यून वन जीरो बॉन्ड की प्राइस नाइन्टी फाइव दे रखी है तो एक सौ दस माइनस नाइन्टी फाइव कैपिटल गेन है डिवाइड बाई फाइव इन इंटू टू बिकॉज दो बार है आपका मतलब बेसिकली आपको न्यूमरेटर को एट पार लाना पड़ेगा ना तो कैपिटल गेन पर सेमेस्टर प्लस कूपन पर सेमेस्टर ऐसा हो गया तो इनकम पर सेमेस्टर डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट ट इज 5.37 पॉइंट थ्री सेवन परसेंट पर सेमेस्टर अब अगर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से अगर आप उसको पर एनएम करोगे पर एनएम करना पड़ेगा कभी भी अपन कोई रेट को पर एनम के अलावा भले कैलकुलेशन छह महीने के लिए करिए चाहे क्वार्टर के लिए करिए चाहे मंथली के लिए करिए अपन वैसे छोड़ते नहीं उसको पर एनम में कन्वर्ट करके ही छोड़ना होता है राइट तो 5.37 पर सेमेस्टर है तो इसको इंटू टू करोगे आप तो ये पर एनम हो जाएगा बट दिस मेथड इज सिंपल इंटरेस्ट मेथड और अगर इफ यू वॉन्ट टू गो बाई इफेक्टिव कंपाउंडिंग के साथ जाना चाहते हो तो, तो दिस विल बी वन पॉइंट जीरो फाइव थ्री सेवन वन प्लस फाइव पॉइंट थ्री सेवन ये फैक्टर बन गया छह महीने का रेस्ट दी पावर टू करोगे आप तो क्या हो जाएगा ब्याज के ऊपर यानी वन रुपी अगर डाला तो उसपे फाइव पॉइंट थ्री सेवन परसेंट कमाया तो वो पैसा बन गया वन पॉइंट जीरो फाइव थ्री सेवन उसके ऊपर वापस से 5.37% परसेंट कमाया तो माइनस वन क्यों किया बिकॉज ये वन लगाया था तो यहाँ माइनस वन किया एंड इन टू हंड्रेड किया तो बैक टू परसेंटेज वन पॉइंट जीरो फाइव थ्री सेवन इज अ फैक्टर फॉर सिक्स मंथ्स रेस्ट ऑफ द पावर टू करोगे तो फैक्टर फॉर पर एनम एम माइनस वन इंटू हंड्रेड दैट विल बिकम इलेवन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट पर एनम इसका आंसर तो इससे ज्यादा आएगा ही ना बिकॉज उसमें आपने कंपाउंडिंग इग्नोर किया है और यहाँ पे कंपाउंडिंग लिया है दैट इज वॉल्ट बी वाई बी वाई वेन रेट इज कैलकुलेटेड फॉर लेस देन ईयर एंड इंटू टू इंटू फोर करोगे तो बीईवाई रेस्ट द पावर करके करोगे तो ई इफेक्टिव एनुअलाइज ईल्ड बॉन्ड इक्वलेंट ईल्ड इसका फुल फॉर्म क्या होता है बॉन्ड इक्वलेंट ईल्ड इफेक्टिव एनुअलाइज ईल्ड ई ए वाई को बोलते हैं ओके okay? मैं समझा आपको समाया था कंपलसरी में एक बार पांच मार्क्स के लिए बच्चे कर नहीं पाए बी ई वाई ई वाई ये यूएस सी एफ ए लेवल वन में से लोगों ने उठाया हुआ है बट वी कैन यूज एनी वेयर फाइनेंस किसी का नहीं होता कि सी एफ ए का है या सी ए का है दैट वे तो बी इन्फॉर्म्ड ऑन दैट पार्ट ओके मैं आगे बढ़ा रही हूँ पोर्शन को नाउ मुझे एक्चुअली एक चीज और आपको सिखानी थी वो है आई आर आर कैल्कुलेशन तो एक सिखा के छोड़ देती हूँ साथ में ही तो बिकॉज अगर आगे बढ़ गए तो अपन भूल जाएंगे फिर अगर सपोज करो कि एक बॉन्ड है एग्जाम्पल देती हूं एक बॉन्ड है ऐसे एग्जाम्पल देती हूं आई आर आर जीरो वन टू थ्री एंड फोर चार साल का लेते हैं कम रहेगा ओके यहां पे समझो अज्यूम करो कि बॉन्ड फ्लोटिंग है मतलब क्या हुआ हर साल अलग अलग कूपन पे कर रहा है तो यहाँ पे उन्होंने दिया सौ रुपया यहाँ पे दिया 110, सौ दस यहाँ पे दिया 130 और यहाँ पे दिया 135 थर्टी फाइव एंड प्लस थाउजेंड रुपीज़ दिया प्रिंसिपल का मैं आपको बोल रही हूँ इसका आई आर आर निकालो और बॉन्ड की प्राइस चल रही है नाइन सपोज फिफ्टी पॉसिबल यानी अगर हम नौ सौ पचास रुपये आज बॉन्ड का पे करते हैं और ये पैसे अगर हमको मिलते हैं वन टू और थ्री फोर के एंड पे तो बताओ हमने ऑन एन एवरेज कितना कमाया पर एनम तो कैसे करोगे आप कैसे चलाना चाहिए आपको ओके हंड्रेड प्लस वन वन जीरो प्लस वन थर्टी प्लस वन थर्टी फाइव प्लस वन थाउजेंड सारे कितने पैसे मिले टोटल इनफ्लो टोटल यू कैन राइट डाउन ऑल्सो टोटल इनफ्लो इज वन फोर सेवन फाइव ओके आउटफ्लो कितना था आपका आउटफ्लो था आपका नाइन फिफ्टी ओके सो नेट इनफ्लो कितना हुआ माइनस नाइन फिफ्टी विल गिव अस फाइव ट्वेंटी फाइव आपने 525 सौ पच्चीस एक्स्ट्रा कमाए राइट कितने सालों में डिवाइड बाई फोर ओके डिवाइड बाई फोर यू अर्ड वन थर्टी टू फाइव दैट मीन्स ऑन एन एवरेज आपने वन थर्टी वन पॉइंट टू फाइव पर एन एम कमाया परसेंटेज में चाहिए तो आप किससे डिवाइड करोगे प्रिंसिपल अमाउंट से नाइन फिफ्टी डिवाइड बाई नाइन फिफ्टी विल गिव यू यू नो वॉट थर्टीन पॉइंट एट टू परसेंट पर एनम ऑन एन एवरेज आपने ऑन एन एवरेज जो कमाया है वो 13.82 पॉइंट एट टू परसेंट पर एन कमाया लेकिन ये जो मेथड मैंने यूज किया इसके अंदर में हम लोगों ने कंपाउंडिंग नहीं करी है लेकिन गाइज मुझे ये पता चल गया कि मेरा ट्रायल एंड एरर चालू कहां से होगा अब क्या करेंगे लुक एट हियर नाउ एट टू आप ले सकते हो 13 ले सकते हो 14 ले सकते हो आप कुछ भी रेफरेंस रेट है एग्जैक्ट रेट तो नहीं है तो मैं लेती हूं एट 13 परसेंट आर एच एस वैल्यू निकालनी प्रेजेंट वैल्यू अपने को चाहिए एक वैल्यू 950 से ज्यादा और 950 से कम आई अज्यूम की आपको इंटरपोलेशन आई आर आर आता है मैं रिवाइज करा रही हूं राइट right? मतलब मुझे इन सबको यहां पे लाना है एक ऐसी रेट पे सो दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू 950 तो मुझे चाहिए एक वैल्यू 950 से ज्यादा और एक वैल्यू 950 से कम क्यों ताकि मैं इंटरपोलेट कर पाऊं देखना समझाती हूं ओके दिस विल बी 110 मतलब अगर मैं इस कैश्लो को 13 से डिस्काउंट करूं तो क्या मिलेगा 110 100 है पहले 100 डिवाइड बाई 1.13 पॉइंट वन थ्री प्लस वन वन डिवाइड बाई वन होल स्क्वेयर टेक वन थर्टी एंड वन 130 वन थर्टी वन पॉइंट वन थ्री रेस्ट दावर एंड दोनों लेंगे ना अपन 135 और हजार दोनों लेंगे तो so, 1135 डिवाइड रेस्ट द पावर 4 देखते हैं क्या आता है सो so, बेसिकली 100 डिवाइड बाई 1.13 आई गेट eighty eight point four nine eighty eight point four nine plus one one zero divided by one point one three i am getting eighty six point one five plus one thirty divided by i get ninety point one zero and plus. इन टू वन वन थ्री फाइव आई गेट सिक्स नाइन्टी सिक्स पॉइंट वन टू टोटल करूँगी मैं ऐटी एट पॉइंट फोर नाइन प्लस एटी सिक्स पॉइंट वन फाइव प्लस नाइन्टी पॉइंट वन एंड प्लस सिक्स नाइन्टी सिक्स पॉइंट वन टू आई गेट नाइन सिक्सटी पॉइंट एट सिक्स यू नो वॉट मुझे नाइन फिफ्टी लाना है तो ये वैल्यू ज़्यादा है ना नाइन सिक्सटी ज़्यादा है नाइन फिफ्टी से रेट को वी कैन इंक्रीज सो लेटेस्ट इंक्रीज लेटेस्ट इंक्रीज रेट टू 14% at 14% rhs will be 100 divided by 1.14 110 by 1.14 square 130 divided by 1.14 to the power 3 and 1135 divided by 1.14 to the power 4 okay same calculation again so 100 divided by 1.14 will give me 87.72 plus 110 divided by

बिकॉज एट आर इक्वल टू फोटीन परसेंट आई एम गेटिंग नाइन थर्टी टू पॉइंट वन टू इसको इंटरपोलेट मैं एक बार आई सिखा रही हूँ पूरे एस में आप यही मेथड यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? बचपन में हमने एक मेथड सीखा था उसका नाम था यूनिटरी मेथड, सो बाय इंटरपोलेशन याद कर लो जो मैं बोलने वाली हूँ अभी बाई इंटरपोलेशन अनोन रेट माइनस लोअर इन दोनों में लोअर इसमें और इसमें लोअर कौन सा है थर्टीन थर्टीन परसेंट डिवाइड बाई हायर माइनस लोअर अननोन माइनस लोअर डिवाइड बाई हायर माइनस लोअर ओके सो फोर्टीन परसेंट माइनस थर्टीन परसेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज सो आर कोरस्पोंड्स टू नाइन फिफ्टी थर्टीन कॉरेस्पॉन्ड्स टू नाइन सिक्सटी पॉइंट एट सिक्स देन 932.12 एंड माइनस नाइन ये आपका हो गया बेसिकली गाइज दिस इज लाइक यूनिटरी मेथड आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को सो नाउ हियर

थर्टीन पॉइंट at that, दैट आर इक्वल टू थर्टीन पॉइंट थ्री एट परसेंट पर एन एम इज योर वाई टी एम आपको आपने नोटिस नहीं किया एक चीज यहाँ पे थर्टीन पॉइंट एट टू आया था आपको ये वाली जो वैल्यू आई थी थर्टीन पॉइंट एट टू आया था मतलब पूरा रेफरेंस मिल चुका आपको कि आपकी रेट इसके आसपास ही होनी चाहिए एग्जैक्ट रेट नहीं है अब आपको बोलूँ मैं दो मिनट पहले बोली थी कि ईल्ड में तीन चीजें होती है कूपन कैपिटल गेन एंड री इन्वेस्टेड इनकम री इन्वेस्टमेंट इनकम और कूपन ये तीन चीजें होती है 13.82 में सिर्फ कूपन और कैपिटल गेन है री इन्वेस्टमेंट इनकम और कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं है लेकिन 13. 13.38 के अंदर तीनों हैं। इट्स अ कंपाउंडेड रेट आपने कंपाउंडिंग के मेथड से निकाला है ना ये पूरा ओके सो बेसिकली दिस इज आई एंड वेदर यू आर यूजिंग इट टू कैलकुलेट वाई टी एम और सम अदर प्लेस मेथड चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं आई होप समझ में आ गया दैट अगर शॉर्टकट से जाएंगे तो कैसे जाना है अगर ट्रायल एंड एरर करना है तो कैसे करना है मैंने आपको पूरी डिटेलिंग करी है शीट में आई थॉट आई विल इग्नोर और मे बी बिकॉज टाइम बचेगा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट स्टिल वेन आई केम टू द सम आई थाट आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट गाइज ओके नाव लेटस गो अ हेड एंड

Assumptions of YTM. Number one The bond should be held till maturity. The intermediate cash flows must be reinvested at ytm only आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ गिमी या सेकेंड प्लीज एग्जाम्पल फेस वैल्यू थाउजेंड प्राइस नाइन सेवेंटी कूपन फोर्टीन परसेंट एंड एन फाइव ईयर्स ओके नाउ इस पर डाला जीरो वन टू थ्री फोर फाइव वन फोटी वन फोर्टी वन फोर्टी वन फोर्टी वन फोर्टी एंड हज़ार ये कैश लोस है अब इस आई कैन यूज़ द शॉर्टकट मेथड हीयर नो प्रॉब्लम एट ऑल सो वाई टी एम विल बी 140 प्लस प्राइस कितनी है बॉन्ड की 970 सेवेंटी वन थाउजेंड माइनस नाइन सेवेंटी डिवाइड बाय फाइव द होल डिवाइड बाय 1000 थाउजेंड प्लस नाइन सेवेंटी डिवाइड बाय टू इन हंड्रेड आप आई निकालो कितना आता है एक हज़ार प्लस नाइन सेवेंटी डिवाइड बाई टू नाइन फाइव नीचे एवरेज हो गया ये और वन थाउजेंड माइनस नाइन सेवेंटी डिवाइड बाई फाइव प्लस वन फोर्टी द होल डिवाइड बाई नाइन एटी फाइव इंटू हल्डाम पॉइंट एट टू परसेंट आपको पता है इस फोर्टीन पॉइंट एट टू परसेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको इसका मतलब ये होता है दैट मतलब अगर आपने एक बॉन्ड खरीदा और आप ये जानना चाहते हो कि बॉन्ड मुझे कितना कमा के देगा तो आपने क्या किया वाई निकाला लेकिन आपको पता फोर्टीन पॉइंट एट टू आपको कब मिलेगा अगर आपने बॉन्ड को नाइन सेवेंटी में खरीदा अगर कमिंग फाइव इयर्स तक आपने वन फोर्टी वन फोर्टी वन फोर्टी वन फोर्टी एंड वन फोर्टी रिसीव किया पांचवे साल के एंड में इफ यू गेट वन थाउजेंड इतना ही नहीं अगर ये सारे वन फोर्टी कौन से वाले वन फोर्टी ये वाला ये सारा 140 फोर्टी इज री इन्वेस्टेड टिल हियर एट द रेट ऑफ फोर्टीन पॉइंट एट टू ओनली देन यू शैल बी अर्निंग रिटर्न ऑफ फोर्टीन पॉइंट एट टू परसेंट पर एनम यही तो बोलता है आपका द बॉन्ड शुड बी हेल्ड टिल मेचोरिटी मतलब आपको फोर्टीन पॉइंट एट टू परसेंट कब मिलेगा अगर आप बॉन्ड को पूरे पांच साल तक होल्ड करते हो तो दूसरा दूसरी कंडीशन और दोनों फुलफिल होने चाहिए जितने भी इंटरमीडिएट कैश फ्लोस फ्लोज दैट मीन ऑल दन फोर्टी शुड बी री इन्वेस्टेड एट फोर्टीन पॉइंट एट टू परसेंट ओनली देन यू शैल बी गेटिंग अ रिटर्न ऑफ फोर्टीन पॉइंट एट टू परसेंट ईच ईयर पर एन इसमें दो बात आ गई नंबर वन जब आपने बॉन्ड खरीदा जब आप बॉन्ड खरीद रहे थे तो आपका वाई कितना आया 14.82 क्यों 14.82 आया क्यों 15 नहीं आया क्यों 16 नहीं आया मैं रीजन बताती हूँ रीजन ये है उसका कि जिस जिस रिस्क क्लास में ये बॉन्ड फॉल करता है वहां पे सारे बॉन्ड्स इस रिस्क क्लास के 14 पंद्रह के आसपास में रिटर्न पे कर रहे हैं ओके okay? इसलिए ये बॉन्ड भी इस तरह से मार्केट में प्राइज है कि आपको ये 14.82 देगा या फिर मार्केट में ऑन एन एवरेज ब्याज का रेट आज के दिन 14.82 चल रहा है तो बॉन्ड भी आपको 14.82 देगा बिकॉज कम कोई लेता नहीं है और ज्यादा कोई आपको देता नहीं है 14.82 यानी कि आज की मार्केट की ब्याज की रेट 14.82 चल रही है इसलिए यह बॉन्ड भी विदिलर क्लास आपको फोर्टीन पॉइंट एट दे रहा है राइट अब इसमें सवाल ये आ गया दूसरी बात यह हो गई दैट मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि अगर मुझे ये 14.82 हर साल पांच साल तक चाहिए मैं कैसे बॉन्ड खरीदू ना अगर कभी 14.82 देगा कभी वो 13 देगा कभी वो 12 देगा तो आई एम नॉट सर्टेन एंड इन फाइनेंस वी वॉन्ट वी नॉट ब्रिंग सटर्निटी बट कुछ तो हैच करना पड़ेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने बॉन्ड को पांच साल होल्ड नहीं किया और अगर आपने इंटरमीडिएट 140 सौ चालीस जितने आ रहे हैं उसको आज की वाली रेट पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप हर साल 14.82 नहीं कमा पाओगे क्या कमा पाओगे नहीं पता ये मतलब हुआ अब इन दो एजम्सन में से अगर मैं अज्यूम भी कर लू दैट मैं बॉन्ड को मेचोरिटी तक आपकी बात मान ली कि मैं 14.8 पॉइंट मैं बॉन्ड को मेचोरिटी तक होल्ड करूंगी लेकिन गैस 14.82% पॉइंट टू परसेंट पे इन्वेस्ट तो मैं तब कर पाऊंगी ना अगर मार्केट में वो ब्याज का रेट मिलेगा आप 14.82 का रेट जो कि आज की रेट है अगले पांच सालों तक उसी पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो तो मार्केट में वो रेट मिलने भी तो चाहिए और वो रेट तो तभी मिलेगी वेन द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इन द मार्केट इज फ्लैट विच इज नॉट फ्लैट इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉन्ड खरीद लो कैलकुलेट कर लो लेकिन आपको फोर्टीन तो पॉइंट एट गारंटीड तभी मिलेगा इफ द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मेचोरिटी एंड ऑल द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट फोर्टीन पॉइंट ओनली फर्स्ट वेन आई कैन स्टिल कंट्रोल विच इज एक्चुअली नॉट कंट्रोलेबल दूसरा वाला तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती पॉसिबल नहीं है मैं बॉन्ड खरीदूंगी मार्केट का रेट कहां से कहां चला जाएगा या तो सोलह हो जाएगा या बारह हो जाएगा तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगी इसका यह मतलब हुआ एन इन्वेस्टर हु इज बाइंग दिस बॉन्ड इज फेसिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब आप बॉन्ड खरीद लो कैलकुलेट कर लो 14.82 आपको मिलने वाला नहीं है आपको मिलेगा या तो 14.82 से ज्यादा या 14.82 से कम दिस इज नॉट अ गुड आइडिया काश ऐसा होता कि मैं ये बॉन्ड खरीदती और मुझे फिर भी 14.82 मिलता और मैं दोनों अजम्पन्स भी फॉलो नहीं करती तो कैसे करेंगे एक चीज आपको बता रही थी सो so बेसिकली इस पूरी मेचोरिटी में क्या होता है आपको बताती हूं अगर मार्केट में ब्याज का रेट ऊपर गया तो पता है आपको क्या होगा अगर मार्केट में ब्याज का रेट ऊपर गया तो आपके जो कूपन है ना ये जो कूपन है वन ये ज्यादा रेट पे इन्वेस्ट होंगे मैंने याद करना ईल्ड के तीन पार्ट होते हैं कैपिटल गेन कूपन इनकम एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम ओके कैपिटल गेन में बाय की प्राइस तो खत्म हो चुकी अब जिस प्राइस पे आप सेल कर पाओगे वो प्राइस इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज तभी कैपिटल गेन डिसाइड होगा ओके okay? नाउ अगर समझो कि मार्केट में ब्याज का रेट ऊपर गया तो क्या होगा कि आपकी जो कूपन होगी वो हाई रेट पे री इन्वेस्ट होगी और आपका री इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगा लेकिन आपके बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू मतलब बॉन्ड की प्राइस नीचे गिर जाएगी बिकॉज जो आपके कैश फ्लो है उसके डिस्काउंटिंग कम ज्यादा रेट पे होगी ओके okay? तो आपको एक पार्ट पे गेन हो रहा है और दूसरे पार्ट पे नुकसान हो रहा है अगर मार्केट में ब्याज का रेट नीचे गया तो क्या होगा पता है आपको री इन्वेस्टमेंट इनकम कम हो जाएगी और आपकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो आप बोलोगे कि, कि मैम ये तो गड़बड़ बात हो गई अगर अगर मार्केट में ब्याज के रेट ऊपर या नीचे होने से ऊपर का जो लॉस है और नीचे का जो गेन है या वाइसे वर्षा जो भी है अगर वो दोनों अमाउंट वाइज ऑफसेट करते तो 14.82 तो का रिटर्न आता लेकिन ऐसा होगा नहीं लेकिन बॉन्ड की मेचोरिटी में बॉन्ड की मेचोरिटी में एक टाइम ऐसा है वेयर इवन इफ द इंटरेस्ट रेट चेंज अगर मार्केट में ब्याज का रेट बदला तो भी क्या होगा आपको पता है कि अगर ब्याज का रेट बदला मतलब मान लो कि फोर्टीन पॉइंट एट टू है और रेट सिक्सटीन की हो गई तो क्या होगा आपको पता है कि आपकी री इन्वेस्टमेंट इनकम पे गेन होगा और बॉन्ड की प्राइजिंग पे बिकॉज द प्राइस ऑफ एनी असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो तो अगर हाई रेट से डिस्काउंटिंग करोगे कैश फ्लो की समझो कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो हाई रेट पे तो वैल्यू गिर जाएगी उसकी तो अगर ब्याज बढ़ा तो री इन्वेस्टमेंट इनकम में गेन अगर सौ रुपए का हो रहा है तो डिस्काउंटिंग में लॉस भी सौ रुपए का होता बॉन्ड की पूरी लाइफ में एक टाइम ऐसा है जहां पे इनकम और लॉस लॉस और इनकम दोनों एक दूसरे को करते हैं ऑफसेट वो जो टाइम है उसको बोला जाता है ड्यूरेशन मतलब इसका ये मतलब हुआ अगर आपको ये चीज में डिटेलिंग में नहीं जाना है तो आप इतना समझो दैट ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड अगर आपने बॉन्ड को ड्यूरेशन के पीरियड के लिए होल्ड किया तो भले मार्केट में रेट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको अपना 14.82 ही मिलेगा ना ज्यादा ना कम वो कैलकुलेट करना पड़ता है एक मेथड से आई शो दैट नाउ लुक एट दैट अब ये एक डेफिनेशन हुई लेकिन जो मेथड हम यूज करते हैं बॉन्ड में इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ड्यूरेशन इज कॉल्ड मेकॉलेज ड्यूरेशन मैं डिटेल में नहीं जाती हूं वरना अपना पोर्शन खत्म नहीं हो पाएगा राइट right? अपन खाली फॉर्मूलाज पे और उस पर फोकस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड मेजर्स वेटेड एवरेज टाइम विच इलेक्सेज बिफोर ऑल द कैश क्लोज आर रिसीव्ड सिंस द कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई मेकॉले ड्यूरेशन डिफाइंड अबव इज ऑल्सो कॉल्ड मेकॉल ड्यूरेशन ड्यूरेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज होल्डिंग पीरियड फॉर विच मैं तो मैंने अभी आपको यह समझाया फॉर विच इंटरेस्ट रेट रिस्क डिस दो डेफिनेशन आई इन शॉर्ट नंबर वन ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड ड्यूरिंग विच इंटरेस्ट रेट रिस्क डिस मतलब भले मार्केट में रेट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको आपका प्रोमिस्ड वाई जो आपको प्रॉमिस किया गया था जीरो में वही आपको वाई मिलेगा ओके okay? ना ज्यादा ना कम वी कैन ऑल्सो से दैट एज पर मेकॉले डन इज दैट होल्डिंग पीरियड बाई विच वी आर एबल टू रिकवर ऑल आवर इन्वेस्टमेंट मतलब ड्यूरेशन के पीरियड खत्म होते होते मतलब समझो कि बॉन्ड अगर पांच साल का है और ड्यूरेशन कोई कैलकुलेशन से चार आया तो मतलब अगर आपने अपने बॉन्ड को चार साल होल्ड किया तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा ये मेकॉले के हिसाब से एक्चुअली डूरेशन के कई डेफिनेशन आते हैं सारे बात नहीं कर पाएंगे दो तो बात करना ही पड़ेगा बिकॉज वो जरूरत है हमें एग्जाम्पल लेती हूँ ओके मॉडिफाइड ड्यूरेशन के ऊपर मैं दोनों के बाद आती हूँ पहले ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं सब में दिया हुआ है फेस वैल्यू कूपन रेट सिक्स इयर्स मेचोरिटी का रिडेम्पशन वैल्यू और सत्रह परसेंट सब में लिखा है व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ये आपको निकालना आता है मैं ये नहीं समझा रही अभी ड्यूरेशन एंड वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं वो देखो आप कैश कैशलॉस को टोटल आप लोगे छह साल एक ये सिक्स ईयर्स के कैशलोज हो गए आपको पीवी निकालोगे क्या प्राइस इसको भी प्राइस ही है तरीका अलग था थोड़ा सा इसके लिए वैल्यू में थोड़ा फर्क आया है इसको बोलते हैं डब्ल्यू आई और इसको बोलते हैं एक्स आई आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 136.80 थर्टी तो आएगा 136.80 वन वन सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टू करोगे तो ये आएगा इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके टोटल निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी अगर डब्ल्यू आई एक्स आई को डिवाइड करोगे तो फोर पॉइंट टू फोर ईयर्स आता है मैं आपको इंटरप्रेट करती हूँ आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा इसका मतलब ये हुआ दोनों मीनिंग बताती हूँ अगर आपने बॉन्ड को क्या वाई टी एम है बॉन्ड का आप देखो बॉन्ड का वाई टी एम क्या है सेवनटीन परसेंट ओके सेवेंटीन परसेंट सो सेवनटीन इज द वाई टी एम ऑफ द बॉन्ड जिस रेट से डिस्काउंटिंग होती है उसको वाई टी एम बोलते हैं ओके नाउ हियर इसका ये मतलब हुआ कि आपने बोला शुरुआत में कि आपको सेवेंटीन परसेंट का रिटर्न चाहिए राइट right? तो अगर आपको सेवनटीन परसेंट का रिटर्न चाहिए तो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो सुनो आप अगर आपने बॉन्ड को दो दो डेफिनेशन आएगी अगर आपने बॉन्ड को 4.24 इयर्स तक अगर आपने होल्ड किया ओके okay, एंड ऑल द इंटरमीडिएट कैश लॉस कौन सा ये वाला ये वाला ये वाला चार ही है ना साढ़े चार साल और इसका आधा में भी तो अगर आपने बॉन्ड को 4.24 पॉइंट ईयर्स तक होल्ड किया तो क्या होगा दैट बेसिकली इवन इफ द इंटरेस्ट रेट चेंज अगर मार्केट में ब्याज का रेट चेंज भी हो गया मतलब आज 17 से आपने डिस्काउंट किया क्योंकि मार्केट में आप आज आपकी रिक्वायरमेंट सत्रह की है क्योंकि मार्केट में ब्याज का रेट सत्रह चल रहा है ना तो जब सब लोग सत्रह कमा रहे हैं तो आपको भी सत्रह कमाने का मन करेगा लेकिन अगर मार्केट में ब्याज की रेट सोलह हो गई या पंद्रह हो गई या चौदह हो गई या बीस हो गई तो आपकी आर आर भी चेंज करेगी ओके okay, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि जब मैं खरीद रही थी या मैं जब मैं खरीद रहा था तो मुझे सत्रह प्रॉमिस किया गया था कि मैं उससे सत्रह कमाने वाला हूं हर साल तो मुझे कम या ज्यादा नहीं चाहिए मुझे सेवेंटीन ही चाहिए तो अगर आप बॉन्ड को फोर इयर्स टू फोर ईयर्स तक होल्ड करते हो और उसके बाद भले मार्केट में ब्याज का रेट चेंज हो जाए यू आर गोइंग टू अर्न फोर सॉरी सेवेंटीन पर एनम ओनली ओके okay, लेकिन आपको बॉन्ड को छह साल नहीं होल्ड करना आपको साढ़े चार साल के एंड में बॉन्ड बॉन्ड को बेच देना पड़ेगा मार्केट के अंदर शुरू में फर्स्ट चीज बोली थी वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडेबल बॉन्ड ये बॉन्ड रिडीम नहीं होगा कंपनी के पास में आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा दूसरी बात अगर आपने बॉन्ड को साढ़े साल तक होल्ड किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है नाइन का वो आपका रिकवर हो जाएगा ये इसके दो मीनिंग है ड्यूरेशन के दिस इज हाउ ड्यूरेशन इज कैलकुलेटेड गाइस नाउ आगे ड्यूरेशन को यूज करके हम एक और कैलकुलेशन करते हैं उसको बोला जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन डी डिवाइड बाई वन प्लस वाई टी एम गाइज अगर ये रेगुलर बैच होती ना तो हम हम लगभग यू नो काइंड ऑफ थर्टी आवर्स तक हम बॉन्ड पढ़ते हैं तो मैं इतनी सारी डिटेलिंग करती हूँ जो शायद बुक्स में नहीं दे रखी है तो मौका मिलता है यहाँ पे अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा इंट्रीकेट गई जो कि मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा ज़्यादा इंट्रिकेट चली गई थी मैंने अपने आप को थोड़ा रोका सो दैट यू डू नॉट गेट इं टू द रॉन्ग लूप ओके तो मैं आपको पूरा करती अभी थोड़ा वाइज आते हैं बिकॉज बॉन्ड का चैप्टर बहुत डेप्थ है मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे उसको बंद भी करना पड़ेगा मैं उसको ओपन नहीं छोड़ पाऊंगी राइट तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड इज डी डिवाइड बाई वन प्लस वाई टी एम तो वो निकला फोर पॉइंट टू फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट वन सेवन थ्री पॉइंट सिक्स थ्री अब बोलोगे मैम ये क्या है थ्री पॉइंट सिक्स थ्री का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर अगर दिस इज लाइक जैसे आप स्टॉक का बीटा निकालते हो ना वैसे ही मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज लाइक द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड अगर मार्केट में ब्याज का रेट 1% से चेंज हुआ तो बॉन्ड की प्राइस थ्री पॉइंट से चेंज करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर मार्केट में ब्याज का रेट सत्रह से अट्ठारह हुआ ऊपर गया तो बॉन्ड की प्राइस हो जाएगी नाइन सिक्सटी फोर पॉइंट फोर माइनस थ्री पॉइंट सिक्स थ्री ध्यान दो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगा इसलिए द Discounting factor and bond price have got inverse relationship. That means YTM of the bond and the price of the bond have got inverse relationship. Market mein byaj ka rate badhega to bond ki price niche jayegi Market mein bond uh, interest rate नीचे जाएगा तो bond की price ऊपर जाएगी. जब मैं interest rate बोलती हूँ तो I mean to say YTM only. Okay? अगर rate 17 से 18 percent हो गई तो बॉन्ड की प्राइस चेंज होगी कम होगी मतलब प्रेजेंट वैल्यू 17 से नहीं करोगे ना सेम कैश फ्लोस को अब आप 18 परसेंट से डिस्काउंट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू सेम थोड़ी ना आएगा कम आएगा वही बोल रही हूं आपको मैं द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी 964.4 सिक्सटी फोर पॉइंट फोर माइनस थ्री पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट सिमिलरली अगर मार्केट में ब्याज का रेट सत्रह से घटके सोलह हो गया इंटरेस्ट रेट गो डाउन बाई वन परसेंट देन द न्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी नाइन सिक्सटी फोर पॉइंट फोर प्लस थ्री पॉइंट ये रिलेशनशिप हमने निकाला है सो थ्री पॉइंट सिक्स थ्री इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड इस वैल्यू से आप बिना ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करे बगैर बॉन्ड की नई प्राइस क्या होगी वो आप तुरंत निकाल सकते हो विदाउट एनी एफर्ट ओके ना आगे देखो मैंने लिखा भी है दिस मीन्स इफ इंटरेस्ट रेट चेंज बाय 100 बीपीएस हंड्रेड बीपीएसेंट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड चेंज बाय 3.63 परसेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ द इ्ड इंक्रीजेस बाय 75 फाइव बीपीएस में बोला भी उन्होंने कि अगर मार्केट में ब्याज का रेट सेवेंटी बीपीएस से बढ़ गया मतलब जो रेट है ना वो 17 नहीं अब 17.75 हो गई तो बताओ बॉन्ड की नई प्राइस क्या होगी देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सो इफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 75 फाइव बी पी एस और पॉइंट सेवन फाइव परसेंट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड शुड चेंज बाय 3.63 पॉइंट सिक्स थ्री थ्री पॉइंट सिक्स थ्री इज फॉर हंड्रेड बी पी एस राइट और वन परसेंट तो पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई किया है और ये वैल्यू आई मतलब अगर ब्याज बढ़ा तो बॉन्ड की प्राइस नीचे आएगी तो 964.4 सिक्सटी पी जीरो था जीरो पे प्राइस थी मैंने कम किया तो ये प्राइस आ गई मैंने क्या किया है सब समय आपको एक चीज़ दिखाने के लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट है मैंने क्या किया कि मैंने ये रेट नहीं निकाल ली एड करके और जो अपना नॉर्मल मेथड होता है ना उससे डिस्काउंटिंग करा सेम कैश लो का देखो छः परसेंट छे साल है वन है हजार है और रेट मैंने 17.75 पॉइंट सेवन फाइव परसेंट की ली सेवेंटीन नहीं ली देखो आंसर सेम आता है ये और सेम ये लगभग सेम है ये जो फर्क है फोर्टीन और फोर्टी का ये राउंडिंग ऑफ एरर नहीं है ये इसकी एक वजह है मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी लेकिन आपको अब समझा हमने क्या किया वन इज शॉर्टकट मेथड और वैटिलिटी मेथड एंड वन इज कॉल्ड फुल वैल्यूएशन अप्रोच दिस वन इज कॉल्ड फुल वैल्युएशन अप्रोच ओके पूरा 17.75 लगा के वापस से डिस्काउंटिंग करके वैल्यू निकालो तो नीचे गया ना पहले तो प्राइस ज्यादा थी पहले प्राइस 964 थी और अब प्राइस हो गई 938 दैट मींस इफ द इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन द प्राइस विल गो अप एंड इफ द इंटरेस्ट रेट्स गो अप द प्राइसेस विल गो डाउन इनवर्स रिलेशनशिप एक तरीका निकालने का है वो वोलैटिलिटी मेथड ये वाला और एक तरीका है फुल वैल्युएशन मेथड और रीप्राइजिंग मेथड दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम में कौन सा पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगी लेकिन आपको दोनों आने चाहिए आई होप यू अंडरस्टूड लेट्स गो हैड फॉर द फर्दर टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन एंड पोर्टफोलियोज अर्निंग आफ्टर ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन एंड पोर्टफोलियो चर्निंग अगर आप ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल अगर आप ओपन करोगे तो आपको ये टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सम नजर आएंगे आपके या एक सम नजर आएगा क्या है ये टॉपिक वो सुनो आप सो so बेसिकली ये टॉपिक ये है इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले एक दूसरी बात बोलती हूँ वो ये है कि गाइज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया दैट The relationship between interest rate and bond price is inverse in nature. Okay, अगर interest rate ऊपर जाएगा तो bond की price नीचे जाएगी अगर interest rate नीचे जाएगा तो bond की price ऊपर जाएगी इट्स inverse relationship रिलेशनशिप मैंने आपको ये भी logic बताया कि क्यों ऐसा होगा अगर आपका मार्केट में ब्याज का रेट 10% परसेंट चल रहा था तो आपने अपने कैशलॉस के डिस्काउंटिंग 10% परसेंट से करी तो एक वैल्यू आई अगर सेम कैश फ्लोस का डिस्काउंटिंग आप 11 या 12 परसेंट से करोगे तो ऑब्वियस ये बात है कि प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा तो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप मैथमेटिकली इसके साथ में एक और फीचर या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी गई वो ये है कि जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बॉन्ड की प्राइसेस नीचे जाएगी सारी बॉन्ड की लॉन्ग uh, टर्म की भी शॉर्ट टर्म की लेकिन शॉर्ट टर्म की ज्यादा जाएगी इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स सिमिलरली जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बॉन्ड्स की प्राइसेस सारे बॉन्ड्स की ऊपर जाएगी लेकिन लॉन्ग टर्म वालों की ज्यादा जाएगी सवाल ये कि मैम ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा बिकॉज लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड में रिस्क प्रीमियम कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है क्योंकि वो पैसे जो पैसे हमारे हमारे से दूर ज्यादा हैं उसके बारे में हमें अनसर्टानिटी ज्यादा फील होती है राइट एंड दैट इज वाई द लॉन्ग टर्म बॉन्ड विल रिएक्ट मोर फॉर द एवरी परसेंटेज चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इन कंपेरिजन टूथ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अब ये जो फीचर है यह फंड मैनेजर करेंगे कैसे वो सुनना अगर मान लो कोई फंड मैनेजर यह एंटीसिपेट कर रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले है. मतलब उसको यह भी पता है कि बॉन्ड की प्राइसेस नीचे गिरेगी और लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड की ज्यादा गिरेगी तो वो क्या करेगा कि लॉन्ग टर्म वाली बॉन्ड को बेच करके पैसा शॉर्ट टर्म में शिफ्ट करेगा सिमिलरली अगर उसको यह पता चला कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है तो उसको यह भी पता है कि बॉन्ड की प्राइसेस ऊपर जाएगी सारे बॉन्ड की दो साल वाले के भी और बीस साल वाले के भी लेकिन बीस साल वाले की प्राइस दो साल वाले के कंपैरिजन में ज्यादा जाएगी तो वो क्या करेगा शॉर्ट टर्म का बॉन्ड बेच करके लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करेगा ताकि वो ज्यादा कैपिटल गेन कमा पाए दिस इज वॉट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट एंटीसिपेशन एंड पोर्टफोलियो चर्निंग आई एम रीडिंग द थियोरी विथ यू एंड देन वी कैन डू वन सम इन द होल कैटेगरी ओके देखना आप bond prices and interest rates have inverse relationship if interest rates go up the prices of bonds go down and the, when the rates go down the prices go up and added property says that when rates go down prices of all bonds go up but they go up more for long term maturity bonds in comparison to short maturity bonds similarly when the rates go up all bonds go down but long maturity लूज वैल्यू रिलेटिवली मोर दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लाइटेड बाई फंड मैनेजर्स फॉर पोर्टफोलियो ओके एक सम है आई एम श्योर सारे बच्चों ने यह सम जरूर किया होगा बिकॉज दिस इज अक वेरी इंपॉर्टेंट सम इन द होल एस एफ एम ओल्ड कोर्स हो न्यू कोर्स हो मैटर नहीं करता सम के अंदर में और इंस्टीट्यूट का सम है सम में उन्होंने आपको पांच कैटेगरी के बॉन्ड दे रखे हैं जीओ आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो हजार छ ये 2006 का मतलब होता है 2006 में ये बॉन्ड मेच्योर होने वाला है ओके जीओवाई टू थाउजेंड टेन फिफ्टीन ट्वेंटी टू एंड थर्टी टू ऐसे आपको पांच बॉन्ड दे रखे हैं, साथ में कूपन की रेट और परचेज रेट दे रखा है उन्होंने और ड्यूरेशन कैलकुलेट करके दे रखा है इसके आगे मैं बढ़ू तो आपको एक बात मैं बताना चाहती हूं दैट ड्यूरेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स इज अ वेटेड एवरेज ओके okay? आपने आपने अब तक एक बॉन्ड का ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं वो सीखा लेकिन अगर सपोज करो आपके पास बॉन्ड का पोर्टफोलियो है तो आपके पास एक नहीं बहुत सारे बॉन्ड्स हैं अगर आपको सबका ड्यूरेशन पता है या आपने कैलकुलेट किया है तो बॉन्ड का ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे बॉन्ड का ड्यूरेशन विल बी नथिंग बट जस्ट लुक एट हियर डीपी इज ऑफ डब्ल्यू आई डी आई समेशन ऑफ डब्ल्यू आई where wi stands for weights weights or amount invested in a particular category in a particular category of bond okay and di is duration of individual bond duration of individual बॉन्ड ये मतलब हुआ इसका ओके okay? ना तो डीपी डीपी का मतलब हुआ ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ये बात कर रही थी तो बेसिकली डीपी विल बी समेशन समेशन ऑफ ऑफ वेटेड एवरेज सबका ड्यूरेशन और सब में कितना पैसा लगा है उसका वेटेड एवरेज निकालोगे तो आपको मिल जाएगा डीपी और ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ओके नाउ सब में लिखा है फेस वैल्यू ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज फाइव करोड़ इन ईच बॉन्ड हर कैटेगरी मतलब पांचों में पांच पांच करोड़ का फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट कर रखी है अब देखो सम के अंदर में इन्होंने एक बॉन्ड का फेस वैल्यू भी दे रखा है सौ रुपया तो अगर पांच करोड़ एक कैटेगरी का है तो फाइव करोड़ डिवाइड बाय अगर हंड्रेड करोगे तो आपको फाइव लाख ,00 आएगा मतलब हर कैटेगरी में पांच लाख कैटेगरी पांच लाख बॉन्ड्स हैं वाइज ओके कैलकुलेट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो ये आपकी परचेज प्राइस है

कि जो फंड मैनेजर होंगे उनको क्या करना चाहिए सो मोर और लेस ये थेटिकल क्वेश्चन होगा तो आपको समझाती हूँ मैं लेट्स गो हेड नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है तो मैंने आपको अभी तुरंत बोला कि पांच करोड़ से अगर आप सौ रुपए को डिवाइड करोगे तो आपको पांच लाख बॉन्ड मिलेंगे फाइव लाख बॉन्ड्स इन ईच कैटेगरी अगर फाइव लाख ,00 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन जी ओ आई टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा जी ओवाई टू दो हजार दस में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन लुक एट दैट देखो यहाँ पे लिखा है मैंने फेस वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड हंड्रेड रुपीज रुपीज फाइव करोड़ बाई ये फाइव लैख आ गया आपका और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने रेट दे रखी जो ऊपर परचेज रेट दे रखी थी और फाइव लैख को मल्टीप्लाई किया तो ये आया फाइव थर्टी टू पॉइंट फाइव लैक्स फाइव ट्वेंटी फाइव लैक्स फाइव ट्वेंटी फाइव लैक्स फाइव फिफ्टी फाइव जीरो फाइव टोटल आया टू सिक्स थ्री सेवन पॉइंट फाइव सो द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट

तो हम शॉर्ट टर्म का पैसा बेच करके लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करते हैं अगर आप ये सब को देखोगे ना तो 2006 भी शॉर्ट टर्म है 2010 भी शॉर्ट टर्म है 2015 भी शॉर्ट टर्म है अगर मैं 2032 के साथ में कंपेयर करूँ तो तो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यूज दैट कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप छः और दस को बेच करके ट्वेंटी टू में डाल दो आप छः को बेच के थर्टी में डाल दो आप टेन को बेच के थर्टी में डाल दो आपका आपका मन And of course, many factors will play an important role in deciding कौन सा बेचे और कहाँ पे खरीदें, right? But some में ऐसा कोई हमें information available नहीं है। तो अपने एक sample answer अपने को देना है, just to tell that you know the uh, concept actually. तो मैं क्या करने वाली हूँ कि 2010, 2010 को बेच के 2032 में शिफ्ट करने वाली हूँ योर क्वेश्चन वुड बी कि मैम आप ये क्यों कर रही हो आप कुछ और क्यों नहीं कर रहे मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बिकॉज इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दिया है उसमें उन्होंने यही किया है तो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज और वो गलत भी नहीं है तो गैस इनकेस अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा सम आता है और अगर आप यही वाला करते हो तो एज वी नो एंड वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस ऑल दो थिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें नो बाई डिफॉल्ट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दैट इज वॉट लेकिन अगर, अगर आप ये चाहते हो कोई और बेच के कहीं और शिफ्ट करो तो वो भी गलत नहीं होगा ओके आई होप यू आर क्लियर एंड ऑन द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली राइट तो लेकिन मैंने क्या किया कि पहले मतलब uh, चर्निंग करने के पहले मैंने प्रेजेंट ड्यूरेशन निकाला वो क्योंकि सब में क्या बोला है कि अगर ब्याज का रेट नीचे जाएगा तो क्या होगा तो आपने बोला कि हम लोग अपने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 2010 को बेच के अपन 2032 में शिफ्ट करेंगे ओके okay? लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा ना बिकॉज 2010 को आप बेचोगे तो ये जो 525 लाख रुपए हैं ये अब 2010 में नहीं रहेंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे यहां पे आ जाएगा मतलब ऐड हो जाएगा इसके अंदर तो ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी बिकॉज वेटेड एवरेज चेंज हो जाएगा तो आपको वो नया वेटेड एवरेज निकालने को बोल रहा है तो मैं क्या बोलती हूँ कि चेंज निकालने के पहले हमें पहले ओरिजिनल निकालना चाहिए तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने प्रेजेंट ड्यूरेशन कैलकुलेट किया तो वो आया सेवन पॉइंट एट वन ईयर्स पूछा नहीं है सब में मैंने अपने मन से निकाला है ओके आगे बढ़ते हैं Theory is if interest rates lower by 25 BPS, the prices of all the bonds will go up, but they will go up more for more for longer maturity bonds. Okay? Uh, the fund manager can shift short-term bonds to long term in order to maximize the gains. Okay? the fund manager can shift short-term bonds to long term in order to maximize the gains. वी कैन शिफ्ट 2006 bonds to 2032 एंड देर आर मेनी मोर ऑप्शन अवेलेबल हाव एवर मैंने लिखा है दो हजार छ को आप दो हजार बत्तीस में डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हाव एवर वी फॉलो द प्रोसीजर फॉलोड बाई प्रैक्टिस मैनुअल इशूड बाई आई सी आई वन सच सैम्पल वुड बी टू शिफ्ट जी ओ आई टू थाउजेंड टेन टू जी ओ आई टू थाउजेंड थर्टी टू अब मैंने क्या किया टू जीरो फाइव नाइन वन पॉइंट टू फाइव ये डेटा ये वाला डेटा आपका वेटेड एवरेज है इसमें से मैंने क्या किया कि ये वाला पार्ट बताऊं कौन सा वाला पार्ट ये वाला पार्ट माइनस कर दिया क्यों माइनस कर दिया क्योंकि ये निकल रहा है इसको हम बेच रहे हैं अगर आप ये निकालोगे तो आपके ये वाले पैसे रिलीज होंगे ये वाले फाइव ट्वेंटी फाइव लैक्स आपका रिलीज हो जाएगा और इसको अब वेट सिक्स पॉइंट फाइव की नहीं मिलके वेट मिलेगी थर्टीन की एट दैट 2.0591.25 जीरो माइनस इसको हटा दिया और वो जो 525 थे वो बैक किया ड्यूरेशन ऑफ uh, 13 टोटल विल नॉट चेंज बिकॉज आपने 525 ट्वेंटी लैक्स ही निकाला और 525 ट्वेंटी लैक्स ही आपने 2032 वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है आपका नया ड्यूरेशन आ रहा है 9.10 पॉइंट वन जीरो विच इज ग्रेटर देन द Previous one. Why? Because a higher amount of weight is being given to 13, that is GOI 2032. Similarly, same, bilko same. Uh, regular batch may in fact. Mein ko dusra wala khud karne ko if interest rates go up by 75 BPS, then what will happen? All the bonds will come down in terms of prices, but the long term will come down more. सो so, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म को बेच करके शॉर्ट टर्म में शिफ्ट करना चाहिए वापस से वही चीज आप किसी को भी बेच के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो बट वी विल फॉलो द आईसीआई सी सोल्यूशन एंड दे हैव शिफ्टेड टू थाउजेंड थर्टी टू 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 थाउजेंड टेन कोई दिक्कत नहीं है सेम कैलकुलेशन चलेंगे सो इफ इंटरेस्ट रेट्स गो अप अपी 75 BPS, द प्राइसेज ऑफ द बॉन्ड्स विल गो डाउन बट दे विल गो डाउन मोर फॉर लॉन्ग मेचोरिटी बॉन्ड्स द फंड मैनेजर कैन शिफ्ट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू शॉर्ट टर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस वन सच सैंपल वुड बी टू शिफ्ट जी ओवाई टू थाउजेंड थर्टी टू दिस इज टू थाउजेंड थर्टी टू गए टू जी ओवाई टू थाउजेंड टेन ओके सेम तरीके से मैंने क्या किया टू जीरो फाइव नाइन वन टू फाइव जो टोटल है आपका उसमें से टू थाउजेंड थर्टी टू वाला जो है ये वाला पार्ट सिक्स फाइव सिक्स फाइव ये माइनस किया हम लोगों ने और इसमें ये जो 505 पांस था उसको वेट दिया हम लोगों ने 6.5 का ये वाला 6.5 का दैट मीन्स वी आर शिफ्टिंग 2032 थाउजेंड थर्टी टू बॉन्ड टू टू ओके वो एडबैक किया मैंने नैचुरली योर विथ एट एवरी ड्यूरेशन विल कम डाउन बिकॉज नाउ हायर वेट इज गोइंग टू सिक्स पॉइंट फाइव जस्ट ऑपोजिट टू द प्रीवियस एग्जाम्पल आई मीन द पार्ट ए ऑफ द सम ओके सो ये आपको करना है इस सम के अंदर में देखा जाए तो ट्वेंटी फाइव बीपीएस और सेवेंटी फाइव बीपीएस का कोई भी रेलिवेंस नहीं था मतलब क्वांटिटी ऑफ चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट से क्वांटिटी ऑफ चेंज से uh, वाले पार्ट पे हमें फोकस नहीं करना हमें खाली डायरेक्शनल मूवमेंट पे आपको डिसाइड करके बताना है कि क्या करना चाहिए सो so, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे देन द प्राइसेस ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विल गो डाउन लॉन्ग टर्म विल लूज मोर वैल्यू तो आप लॉन्ग टर्म को शिफ्ट करो शॉर्ट टर्म में इफ इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन देन ऑल द बॉन्ड्स विल गो अप longer maturity bonds will go up more hence shift short term bonds to long term to enjoy more capital gains दिस इज व्हाट गाइस ओल्ड कोर्स वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि ये सब आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में प्रैक्टिस मैनुअल में मिलेगा न्यू कोर्स वालों के लिए प्रैक्टिस मैनुअल अवेलेबल नहीं है बट ये पूरी तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है विदाउट एनी डाउट डाउट ओके उस पे कोई नहीं है मुझे आगे बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज आपने ऑफ एंड ऑन एस के अंदर में बहुत बार सुना होगा यू नो वॉट कि जीरो कूपन बॉन्ड टी बिल कमर्शियल पेपर्स ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे बट हर जगह अपन हर चीज के बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज आई टेल यू वाई बिकॉज एक चीज की जगह होती है जहां पर उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए तो आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ प्रॉपरली वॉट एवर आई कैन डू दो तरह से ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है नंबर वन एक को बोला जाता है एड ऑन मेथड और एक को बोला जाता है डिस्काउंटेड मेथड एड ऑन मेथड क्या होता है कोई चीज अगर सौ रुपये में इश्यू होती है उसके ऊपर दस परसेंट का अगर कूपन लगा हुआ है सपोज करो कोई चीज सौ रुपए में अगर इश्यू होती है और उस पर टेन परसेंट का कूपन लगा हुआ है तो अगर वो चीज सौ रुपए में आज खरीदी तो एक साल के बाद आपको एक सौ दस रुपये मिलेंगे नेचुरली दस आपके कूपन का मिलेगा और साथ में जो प्रिंसिपल मिलेगा वो तो है ही है लेकिन सो आपने दिया था सो आपने ले लिया ठीक है आपको सौ रुपए एक्स्ट्रा मिले तो आपने कितना कमाया टेन परसेंट सिमिलरली आप ये भी कर सकते थे कि आप नाइन्टी रुपीज में कोई चीज खरीदते और आप सौ रुपए में वो चीज रिडीम करते तब भी आपको दस रुपया मिलता तो वन द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एड ऑन मेथड वेन समथिंग इज इशूड एट अ बेसिक डिनोमिनेशन लाइक अ फेस वैल्यू एंड कूपन इज अटैच टू दैट फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एड ऑन मेथड वेन समथिंग इज इशूड शूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी देन दैट मेथड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज कॉल्ड डिस्काउंटेड मेथड आपने जो अभी से पहले जितने भी बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पढ़ा that all were falling under the category of add-on method. सब में कूपन अटैच था राइट अब जो पोर्शन आएगा या कहीं कहीं यूज आएगा इसलिए मैं पढ़ा के आगे बढ़ रही हूँ वहां पे क्या होगा आपको जीरो कूपन बॉन्ड टेबिल के बारे में कमर्शियल पेपर्स के बारे में बात होगी या आप, आपके सामने ऐसे वर्ड्स आएंगे तो जीरो कूपन बॉन्ड और टीबिल या कमर्शियल पेपर ये तीनों सिक्योरिटी डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज के अंडर फॉल करती है तीनों ऑल द्री आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमड एट पार फर्क सिर्फ एक बात का है दैट कमर्शियल पेपर और टीबिल की मेच्योरिटी एक साल या उससे कम होती है और जीरो कूपन बॉन्ड की मेचोरिटी एक साल से ज्यादा होती है बट मैथमेटिकली दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम आएगा ओके okay? नाउ टीबिल क्या होता है एंड कमर्शियल पेपर क्या होता है गैस एंटरप्राइजेस को फर्म्स को पैसे दो रीजन के लिए चाहिए होते हैं एक चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए और एक चाहिए होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल कैपिटल बजटिंग या प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं राइट right? सरकार भी एक एंटरप्राइज है सरकार भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है उसको भी दो चीजों के लिए पैसे लगते हैं नंबर वन वर्किंग कैपिटल के लिए सो दे रेज टेबल्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड दैट इज वाई द मेचोरिटी ऑफ ए टीबिली वन डेज वन एटी टू डेज और थ्री डेज मैक्सिमम नॉट मोर देन दैट फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रेज जीरो कूपन बॉन्ड्स ओके okay. और or or bonds और and the एंड द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज a central banker of बैंकर ऑफ देंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ओके जिस तरह से सरकार अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए टीबिल रेस करते हैं उसी तरह नॉर्मल जो एंटरप्राइजेस और या फॉर्म्स होते हैं बट उनकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए वो कमर्शियल पेपर रेस करते हैं मैथमेटिकली द कैल्कुलेशन ऑफ सी एंड टीबिल इज कंप्लीटली सेम नो चेंज एट ऑल बट क्यूंकि टेबिल सरकार के द्वारा इश्यू करी हुई रहती है द गवर्मेंट हैज इश्यूड टेबिल एंड दट इज वाई द रिटर्न ऑफ अ टेबिल वुड बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सरकार जो हमें ब्याज देती है दैट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर आर एफ इसलिए कभी कभी सम में अगर आपको आर एफ का रेट नहीं दिया हुआ है तो आपको टीबिल का डेटा देगा आपको टीबिल का डेटा यूज करके आपको यील्ड निकालनी पड़ेगी टीबिल का एंड दैट यील्ड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ आर एफ आप सोचोगे मैम कौन से प्लेस में कहां पे लाइक सी पी एम मॉडल आपके सब में शायद आपको सीएपीएम मॉडल की जरूरत पड़ेगी यूज करने की वहां पे आप टी बिल की हेल्प से आर एफ निकालोगे और मे बी अगर जरूरत पड़ी तो हम सीएपीएम में उसका एप्लीकेशन करेंगे आई होप आई वॉज कंप्लीटली क्लियर ओके लेट्स रीड एंड फिनिश इट ऑफ देर आर टू वेज ऑफ कंप्यूटिंग ईल्स और रिटर्न एड ऑन मेथड वेन अ सिक्योरिटी इज इ शूड विथ अ बेसिक डिनोमिनेशन लाइक दैट फेस वैल्यू विच इज यूज फॉर कंपाउंडिंग कंप्यूटिंग Coupon amount is called add on method. A coupon paying bond or a debenture. You already know by now. when a security is issued much below its price and redeemed at par it is called a discounted method the difference between issue price and face value is the interest component guys maine ye wala part hai na CFM mein padha tha us CFM mein padha tha maine level 1 mein okay so तो i found it very very appropriate taki हमें भटकना नहीं पड़ता कि कितनी तरह की security तो दो ही होती है add-on वाला होता है और discounted वाला होता है तीसरा नहीं होता या hybrid होते हो तो अपन बाद में आई थिंक इक्विटी में अगर आपने इक्विटी पहले पढ़ाओ तो उसमें आपने यू हैव कम अक्रॉस अगर बॉन्ड के बाद इक्विटी आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको uh, मिलेगा बाद में टीबिल और इज एडसीबी द डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज कैन बी सेग्रीगेटेड इन टू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेचोरिटी वन ईयर एंड लेस मोर देन वन ईयर ओके लेस देन और मैक्सिमम वन ईयर there are a few securities which are issued at discount and redeemed at par but the maturity does not exceed one year the yield of such securities can be calculated as follows where f stands for face value p pe issue hoga for example maine 90 bola to so 90 pe issue hoga aur 100 pe aap redeem karoge तो अगर सपोज 90 पे इश्यू होता और 100 पे रिडीम करते हो तो मान लो तीन महीने की ईल्ड निकली अगर सपोज तीन महीने का टेबल था तो तीन महीने का ईल्ड आप निकालो इंटू फोर क्योंकि एक साल में चार तीन महीने होते हैं इंटू फोर करोगे तो साल का रेट आएगा साल का आर मिल जाएगा आपको डिपेंड्स अगर आपका वन डेज का टीबिल है तो आप इंटू टू करोगे अगर आपका थ्री डेज का टीबिल है तो आपको टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो ईल्ड पूरे साल की ही होगी If the equation is used to compute the yield of a T-bill, the computed yield would be a good substitute for RF. Ye bhi likha hai a T-bill is a short-term security issued by RBI. It is issued at discount and redeemed at par. We have 91 days T-bill, 182 days T bill, and 364 days T-bill, and so on. A commercial paper, a commercial paper or CP is a security issued by firms and organizations.

पीबिल के क्रेडिट रेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एंड इट्स अ सोवरेन एंटरप्राइज बट कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सररली क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है उसके बिना वो लोग कमर्शियल पेपर इश्यू या रेज नहीं कर सकते बिहेवियरली मैथमेटिकली दोनों बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस और द एंटरप्राइजेस दे आर इश्यूड बाय ओके कौन उनको इश्यू कर रहा है यही फर्क है गैस अगर आपको डिस्काउंटेड uh, सिक्योरिटी के बारे में अगर थियोरी पूछते हैं तो आप ये पूरा बहुत अच्छे से लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नाउ मोर देन वन ईयर कॉमन सेंस अप्लाई करना अगर एक साल या उससे कम होगा तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा आपने नोटिस किया एफ माइनस पी बाय पी इंटू हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी फाइव बाई नाइन्टी वन था मतलब इंटू चार आया मतलब कंपाउंडिंग नहीं था वहां पे लेकिन अगर एक साल से ज्यादा का आएगा तो नेचुरल सी बात है कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट तो आएगा गाइस डेफिनेटली आएगा ओके okay? तो अगर मेचोरिटी एक साल से ज्यादा की हुई तो क्या होगा देखो यहाँ पे The securities which are issued at discount and redeemed at par, but the maturity is greater than 1 year, they are called zero coupon bonds or deep discount bonds. Price v0 price bhi bol sakte hai v0 bhi bol sakte hai हैं. Face value divide by one plus r raised to the power n. ये बहुत simple actually आपको याद नहीं करना चाहिए. जब coupon paying bond की price निकालते थे तो अपन कैसे लिखते हैं? V zero is equal to c into PVA r comma n plus फेस वैल्यू या रिडेम्शन अमाउंट लिखते हो ना तो एक ही बात है क्या फर्क पड़ता है रिडेम्शन अमाउंट इनटू पी वी आई एफ आर कॉमा एन अब जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन तो होता नहीं है मतलब ये वाला पार्ट नहीं आएगा तो ये हो जाएगा वी जीरो इस रिडेम्पन अमाउंट इनटू पी वी आई एफ आर कॉमा एन इसको अगर लिखना चाहे तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते रिडेमशन अमाउंट डिवाइड बाई वन प्लस आर रेस्टोदी पावर एन और अगर फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है तो फेस वैल्यू डिवाइड बाय वन प्लस आर रेस्टोदी पावर एन सिर्फ डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लमसम है वो बीच में कूपन नहीं है तो जो भी पैसा आपका मेचोरिटी पे खड़ा है उसको डिस्काउंट करके आप जीरो पे लाओ ओके सो इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लमसम और कुछ भी नहीं है आप ये मत सोचना दैट यू आर लर्निंग अ न्यू फॉर्मूला हियर वेर आर इज इक्वल टू आई आर आर ऑफ द जेड सी बी इफ जेड सी बी आर इशूड बाय गवर्नमेंट देन आर इक्वल टू आर एफ द ड्यूरेशन ऑफ अ जेड सी बी इज ऑलवेज इक्वल टू मेचोरिटी ड्यूरेशन ऑफ अ कूपन पेइंग बॉन्ड विल ऑलवेज भी लेस देन मेचोरिटी मैंने बताया नहीं अभी बता रही हूं वो क्यों क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला एज पर मे कॉले ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड बाई विच वी विल बी एबल टू रिकवर ऑल आवर इन्वेस्टमेंट ओके नाउ अगर कोई कूपन पेइंग बॉन्ड होगा तो कूपन के थ्रू हमारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी राइट right? तो कोई भी कूपन पेइंग बॉन्ड होगा तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो उसके मेचोरिटी से कम होगा हमेशा जितना ज्यादा कूपन होगा ड्यूरेशन उतना कम होगा बिकॉज रिकवरी उतनी फास्ट होगी ओके okay? तो जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होगा बीच में तो पैसे आते नहीं है द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू मेच्योरिटी बिकॉज सारे पैसे एक साथ मेचोरिटी वाले दिन आएंगे ओके लेट्स गो हेड गाइज एक और टॉपिक आ रहा है आपके सामने में उसका नाम है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ये डिस्काउंटेड सिक्योरिटी के बारे में जीरो कोपन बॉन्ड्स के बारे में और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आगे एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है स्पॉट एंड फॉरवर्ड्स रेट्स उसमें ये आपका एप्लीकेशन आएगा गाइज अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी तो आपको स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट नहीं समझेगा और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट या ईल्ड कर्व्स क्या होता है वो सुनो अगर सपोज करो कि आप सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप चार या पांच सिक्योरिटी लेते हो जिसमें एक ही मेचोरिटी है सपोज करो कि आ, एक साल है दो साल है चार साल है दस साल है बीस साल है जीरो कूपन बॉन्ड्स सोवरन बॉन्ड्स आप लेते हो और उन सब का आप प्राइस लेते हो आप प्राइस लेते हो फेस वैल्यू लेते हो और मेचोरिटी लेते हो आर नहीं लेते और आर को आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको पता है आपको मिलेगा कि ऑन एन आइडियल बेसिस इंडिया के अंदर में जीरो टू वन की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रेट बेस रेट होनी चाहिए जीरो टू टू के लिए क्या बेस रेट होनी चाहिए जीरो टू थ्री के लिए बेस रेट क्या होने चाहिए दैट मीन्स आपको यह पता चल जाएगा कि कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग अगर मार्केट में होनी है तो पता होना चाहिए ना कि कौन से रेट से चालू करें अपन उसके ऊपर लोडिंग करना प्रीमियम की वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी वो तो रिस्क एंटिसिपेट अपन करके लोडिंग दो परसेंट की जगह तीन परसेंट तीन परसेंट की जगह चार परसेंट कर सकते हैं बट बेस तो पता चले कि शुरुआत कहां से करनी है एंड दैट इज ईल्ड कर्व दैट इज द यूसेज ऑफ द कर्व अगर आप कभी आरबीआई uh, के साइड पर जाओगे तो आपको ईल्ड कर्व नजर आएंगे तो ईल्ड कर्व क्या है वो सुनना आप जस्ट लुक एट हियर मैं आपको करके दिखाती हूँ मतलब एक सपोज़ यहाँ पे टाइमलाइन लेती हूँ ये मेचॉरिटी है ओके okay? ये मेचोरिटी है और ये ईल्ड है तो सपोज एक इस तरह की अपवर्ड स्लोपिंग लाइन किया है मैंने ये ज़ीरो सॉरी जीरो वन दिस टू देन थ्री मैं यहाँ पे लिखूँगी आर जीरो टू आर जीरो थ्री क्या है आर क्या है आर का मतलब होता है रेट जीरो का मतलब पीरियड जीरो में चालू वन पे खत्म जीरो पे चालू टू पे खत्म जीरो पे चालू थ्री पे खत्म सपोज करो आर जीरो वन आर जीरो टू एंड आर जीरो थ्री इज टेन परसेंट इलेवन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट क्यों ऐसा वो सुनो अगर कोई आदमी जीरो पे पैसे इन्वेस्ट करता है और वो वन पे पैसे निकालता है तो उसको दस परसेंट का ब्याज मिलेगा बिकॉज कम पीरियड के लिए ब्याज कम है ज्यादा पीरियड के लिए ब्याज ज्यादा होना चाहिए क्यों ऐसा क्योंकि आपका पैसा जितना दूर आपसे जाएगा आपकी जो लिक्विडिटी है उतनी कॉम्प्रोमाइज होती है तो आप कॉम्पनसेशन ज्यादा मांगते हो राइट right? तो अगर दो साल के लिए पैसा आप किसी को इन्वेस्ट करने के लिए दोगे या किसी को देते हो आप तो बोलोगे आप क्या बोलोगे मुझे 10 10 परसेंट दो बार नहीं चाहिए मुझे 11 11 दो बार चाहिए क्यों बिकॉज द अनसर्टन दिनिटी विद रिस्पेक्ट टू द मनी स्टैंडिंग एट फारदर पीरियड्स इज मोर जितना पैसा आपसे दूर जाएगा आपको रिस्क की फीलिंग उतनी ज्यादा आती है इसलिए जैसे मेचोरिटी बढ़ेगी ब्याज का रेट भी ज्यादा होना चाहिए एक बात ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में आते हैं अगर समझो मैंने आर जीरो वन टेन परसेंट दिया और आर जीरो टू मैंने इलेवन परसेंट दिया तो जीरो टू वन का दस और वन 1 का 1 से टू का इलेवन ऐसा नहीं होता जीरो टू वन का भी इलेवन होगा और वन टू टू का भी इलेवन ही होगा ओके न कम न ज्यादा सिमिलरली आर जीरो थ्री अगर ट्वेल्व परसेंट है तो उसका मतलब ये हुआ दैट जीरो टू वन में भी बारह वन टू टू में भी बारह और टू टू थ्री में भी बारह एंड दैट इज हाउ योर ईल्ड कर्ज अपवर्ड राइजिंग अगर आप कम मेचोरिटी के लिए पैसे लगाओगे तो कम ब्याज ज्यादा के लिए लगाओगे तो ज्यादा प्याज ये जो आर जीरो वन आर जीरो टू और आर जीरो थ्री थे इनको बोला जाता है स्पॉट रेट्स इनको बोला जाता है स्पॉटरेट्स क्यों स्पॉट बिकॉज जीरो से ये चालू है ओके okay? आगे बढ़ रहे हैं अपन कर्व्स चार तरह के होते हैं ओके okay? मैंने वहां पर लिख के छोड़ा है देर आर फोर टाइप्स ऑफ ईल्ड कर्व अपवर्ड राइजिंग कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्लैट ईल्ड कर्व एंड हम्ड ईल्ड कर्व वो क्या है मैं करके दिखाती हूं आपको दिस वॉज लाइक नंबर वन अगर ईल्ड कर्व ऐसे जाती है तो दिस विल बी कॉल्ड एज अपवर्ड राइजिंग ओके देन अगर ऐसे जाती है तो दिस विल बी इतना स्टीप नहीं होगा यू नो डायग्राम वाइज इतना स्टीप नहीं होगा ऐसे सपोज जाती है इसको बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू लेट मी टू सेकेंड प्लीज और अगर आपकी जो ईल्ड कर्व है वो अगर ऐसे है आपने ध्यान नहीं दिया आपने सम्स में पीछे या अपने आज तक जितने भी बॉन्ड के सम्स किए होंगे उन सब में आपने अपने सारे कूपन्स को एक ही रेट से डिस्काउंट किया है राइट right? मतलब एक साल के एंड पे जो आपका कूपन था वो और दस साल के एंड पे जो कूपन था वो सबको आपने एक ही रेट से डिस्काउंट किया व्हाट डज दैट मीन इसका मतलब ये होता है दैट आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि वन ईयर वाले एंड पे जो पैसा आ रहा है उसमें और दस साल के एंड में जो पैसा आ रहा है उसमें दोनों में रिस्क सेम है अगर वो चीज अज्यूम कर रहे हो दैट मीन्स वाइल कंप्यूटिंग द प्रेजेंट वैल्यू और प्राइस ऑफ द बॉन्ड आपने फ्लैट कर्व अज्यूम किया आपने फ्लैट हल्ड कर्व कज्यूम किया मतलब द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग एट द एंड ऑफ ईयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिमेन्स द सेम एंड दैट इज वाई यू वी आर यूजिंग अ सिंगल अम्बरेला रेट टू डिस्काउंट ऑल द कैश फ्लोज ओके अब देखो एक और है हम्ड गाइस अगर आप चारों को देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता बट मैं समझाना चाहती हूँ अपवर्ड राइजिंग का मतलब यह हुआ कि शॉर्ट टर्म मेचोरिटी के लिए ब्याज कम और लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब यह हुआ शॉर्ट टर्म में ज्यादा लॉन्ग टर्म में कम फ्लैट मतलब का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सेम और हम्ट का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म में भी कम लॉन्ग टर्म में भी कम मीडियम टर्म में ज्यादा तो एक बात आपको बता दूं ये वाले जो तीन है ना ये वाले वन देन टू एंड थ्री दिस विल प्रिवेल ओनली इन द शॉर्ट टर्म और टेम्पररी इन नेचर बिकॉज ऑफ द मिसमैच इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी लॉन्ग टर्म में हमेशा अपुअ्राइजिंग कर्व ही प्रिवेल करेगा और इसीलिए अपुअ्राइजिंग कर्व को नॉर्मल ईल्ड कर्व भी बोला जाता है आई होप आई एम क्लियर ओके सो नाउ हियर आई रिटर्न हियर आईल्ड क लाइन दैट प्लॉट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बॉन्ड्स मतलब उन बॉन्ड्स की क्रेडिट क्वालिटी सेम है क्रेडिट क्वालिटी सेम नहीं होगी तो आई होप यू नो दैट अगर आप किसी चीज को प्लॉट कर रहे हो तो आप बॉन्ड्स एक ही वैरायटी के चूज करोगे वरना वो मिसमैच होगा बिकॉज ऑफ द रिस्क प्रीमियम कंपोनेंट, राइट न प्लॉट अल्ड कर् विद्प ऑफ जीरो सरकार के बॉन्ड्स ले लो ना एक ही क्रेडिट के साथ में चल रहे हैं वो उनकी उनमें रिस्क भी नहीं है दे आर द्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स उनमें रिस्क वाला एलिमेंट नहीं होता और वो पूरी तरह से आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है We can plot a yield curve with the help of zero coupon sovereign bonds with the different maturities. The yield are curves are plotted on y axis, and number of years to maturity can be plotted on x axis. There are four types of yield curves: upward rising or normal, inverted or downward sloping, flat yield curve, and hummed. I think we have already discussed all this. फोर अब मैं आती हूं टॉपिक पे स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स बूट स्ट्रैपिंग गैस मैं आगे जाऊं ना इसके पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखाना चाहती हूं एट हियर स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स क्या है मतलब आपको क्या निकालना है वो बता दे रही हूं आपको एक समझो कि लाइन लेती हूं टाइम लाइन जीरो वन टू थ्री एंड फोर ये ऐसे टाइम लाइन है तो कैन आई राइट हीयर इसको अपन बोल सकते हैं आर ज़ीरो वन इसको बोल सकते हैं अपन आर ज़ीरो टू और इसको बुला सकती हूँ मैं आर ज़ीरो थ्री ये सही है ईल्ड कब के हिसाब से मैंने लिया है अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि सपोज करो कि आर जीरो वन आपका टेन परसेंट है आर ज़ीरो टू आपका एलेवन परसेंट है और आर ज़ीरो थ्री ओके okay. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे करना है करके ओके सो वन प्लस आर जीरो टू होल स्क्वेयर अब इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो में अपन पैसा डालेंगे और टू ईयर्स के एंड पे अगर निकालते हैं तो मेरे पैसे की वैल्यू कितनी होगी ओके okay. तो आर जीरो टू की रेट क्या है ग्यारह तो बेसिकली कैसे चलेगा ये कि मैंने जीरो पे एक रुपया डाला वन ईयर के एंड पे बैंक इलेवन परसेंट अमाउंट क्रेडिट करेगा राइट right? तो वन प्लस इलेवन परसेंट तो वन ईयर के एंड पैसा हो गया अगले साल वापस आपको ग्यारह परसेंट मिलेगा तो प्लस इलेवनसेंट यम वन पॉइंट टू थ्री टू वन ओके तो एक तरीका तो यह है दैट आप वन डालो और ग्यारह ग्यारह परसेंट दो बार आपको मिलेगा लेकिन आप बीच में पैसे नहीं निकालोगे आप एक साथ वन पॉइंट टू थ्री टू वन निकालोगे दूसरा तरीका यह है कि आप वन में पैसा वन रुपी डालो जीरो पे आर जीरो वन पे ओके पैसे को बाहर निकालो तो वन प्लस टेन परसेंट मिलेगा आपको तो यू विल गेट वन पॉइंट वन जीरो मुझे निकालना है वन प्लस F12, मतलब क्या फॉरवर्ड रेट एट द एंड ऑफ वन ईयर फॉर वन ईयर दैट्स डेट्स लॉजिक हियर ओके तो एक रुपए पे मैंने दस परसेंट ऑलरेडी कमा लिया और मुझे बनाना है इसको एल के बराबर ओके इफ यू वांट टू मेक इट इक्वल टू एल देट मीन्स अपने को ये बताना है सम के अंदर में कि एफ वन टू क्या होना चाहिए सो so दैट मैं दोनों तरीके से बोध द ऑल्टरनेटिव या तो पैसा एक साथ दो बार डाल दो साल के लिए डालू या फिर एक साल के लिए पैसा डालू बाहर निकालू और वापस डालू तो सवाल यह है कि मैं किस रेट पे दोबारा डालू दैट आई एम इन डिफरेंट बिटवीन ये आपका सम, ये आपका क्वेश्चन है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट एंड बूट स्ट्रैपिंग एक्चुअली अब मैंने आपको सिंपल वर्जन बताया मैं जब आपके एज के थी तो मुझे जब नहीं समझ में आ रहा था तो मैं इस तरह से समझने की कोशिश करती थी कि दो साल के लिए पैसा डाला ग्यारह एक बार ग्यारह एक, एक बार बाईस या ट्वेंटी टू फिर अगर एक साल के लिए डाला तो कितने मिलेंगे दस वट शुड बी द अनदर रेट विच मेक्स मी इन डिफरेंट बिटवीन द टू ट्वेंटी टू में से दस मिल चुका बारह ट्वेल्व परसेंट पे अगर आप पैसा डालोगे वापस से देन यू विल बी इन डिफरेंट बिटवीन द टू कंडीशन एंड देर विल बी नो आर्बिट्राज कंडीशन क्यों आर्बिट्राज होगा अगर ये ज्यादा और ये कॉम्बिनेशन कम है तो इस कॉम्बिनेशन में लोग आपको पता है क्या करेंगे बोरो करेंगे और इस कॉम्बिनेशन में लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड दैट इज वाई हम इनको क्या बुला रहे हैं नो आर्बिट्राज कंडीशन ओके, okay? सो so जहां जीरो लगा होगा इसको स्पॉट बोला जाता है एफ वन टू का मतलब क्या हुआ वन पे चालू टू पे खत्म जीरो पे खड़े होकर के अगर आप चेक करोगे तो आपको वन और टू की रेट को आप फॉरवर्ड बुलाओगे स्पॉट नहीं बुला सकते ओके okay? ये एक था तो दिस इज वन ईयर दिस इज वन ईयर ये दो साल था ना ये दो था तो ये एक साल और ये एक साल अगर आपको तीन साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके पास में राधर दो ऑल्टरनेटिव आएंगे मैं दिखाती हूं आपको या तो आप पैसे एक साल डालो तीन सालों के लिए और इधर आप क्या क्या कर सकते हो आप दो सालों के लिए पैसा डालो दो साल के एंड पे पैसे निकालो और एक साल के लिए वापस पैसा डालो तो जीरो टू टू तो आप तो ट्रेवल तो 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 कर लिए अब आपको जाना कहा है टू से थ्री सो वन प्लस एफ टू थ्री वन ध्यान देना एक बात का ये जो गैप है ये जो गैप है बेसिकली दिस गैप दिस गैप इज ऑफ वन ईयर एंड दैट इज वाई यू आर टेकिंग वन ईयर ओके दिस इज कॉल्ड वन ईयर फॉरवर्ड रेट ओके वन ईयर फॉरवर्ड रेट एक और ऑल्टरनेटिव है यहां पे वन प्लस आर जीरो थ्री रेस्ट टू दावर थ्री आप एक साल के लिए पैसा डालो वन प्लस आर जीरो वन वन में पैसा बाहर निकालो फिर एक साथ दो सालों के लिए डालो तो वो हो जाएगा वन प्लस वन तक आप आ चुके हो आपको जाना तीन तक है तो एफ वन थ्री लेकिन इन दोनों में गैप दो साल का है एंड दैट इज वाई दिस विल बी टू वन सो बेसिकली यहां पे अपने को तीन चाहिए था यहां पे अपने को तीन चाहिए था ये वन और ये टू विल मेक इट थ्री या थ्री चाहिए था दिस टू एंड दिस विल वन विल मेक इट टू थ्री आई होप गाइस यू आर फाइन आपको फॉरवर्ड रेट्स निकालना पड़ेगा सम्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं अपन ओके okay? लिखा है द स्पॉट रेट इज अ current yield फॉर अ गिवन टर्म द करेंट ईल्ड फॉर दिवन टर्म मतलब करेंट का मतलब क्या हुआ आज अगर एक साल के लिए लगाए तो आज अगर पांच साल के लिए लगाए तो इसलिए करेंट ईल्ड वो वाला करेंट ईल्ड नहीं जो आपने शुरू में पढ़ा था द स्पॉट रेट इज द करेंट ईल्ड फॉर अ गिवन टर्म मार्केट स्पॉट रेट फॉर सर्टेन टर्म्स आर इक्वल टू मेचोरिटी ऑफ जेड सीबी विथ दो मतलब क्या हुआ जीरो कूपन बॉन्ड की जो यील्ड होगी एक साल का बॉन्ड दो साल का बॉन्ड थ्री इयर्स का बॉन्ड या फोर इयर्स का जो बॉन्ड होगा दैट दैट इज कॉल्ड द स्पॉट रेट्स और इट आल्सो मींस दैट यू कैन कैलकुलेट स्पॉट रेट्स विद द हेल्प ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक साल का बॉन्ड है आपके पास में उसकी फेस वैल्यू पता है मेचोरिटी वन है और उसकी प्राइस भी पता है फॉर्मूला याद करो आप तो आप उसका आर निकाल सकते हैं मतलब अगर जीरो में डालू और वन पे निकालो तो रेट क्या होनी चाहिए सेम फॉर ऑल द मेचोरिटीज ओके जनरली द स्पॉट रेट्स इंक्रीज एज अ टर्म इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर यूजिंग दिस स्पॉट रेट्स वी कैन कंप्यूट इंप्लिसिट फॉरवर्ड रेट्स क्यों इंप्लिसिट वर्ड यूज किया आप देखो यहां पे मुझे मुझे ये पता है और मुझे ये पता है निकालना क्या है Look here, मुझे ये निकालना है तो मतलब ये जो बड़ी वाली लाइन है उसमें से छोटी वाली लाइन आप हटाओगे तो जो डॉटेड लाइन आप मैंने ड्रॉ करी है रेड कलर की ये इम्प्लिसिट कहलाएगी ओके okay? आगे बढ़ रहे अपन दिस मेथड इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। ओके देन इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर टू ईयर्स यू कैन इधर इन्वेस्ट डायरेक्टली फॉर टू ईयर्स मैंने अभी आपको सारे एग्जाम्पल बोले एट आर जीरो टू और वी कैन इन्वेस्ट एट आर जीरो वन एंड री इन्वेस्ट फॉर वन ईयर

सम मैंने एक लिया यहाँ पे वो सम करते हैं अपन द फॉलोइंग इज द ईल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रिपल ए रेटेड एडवेंचर इसमें तीन महीने की रेट दे रखी है छह महीने की रेट दे रखी है वन ईयर टू ईयर थ्री ईयरस एंड अबव का दे रखा है दिस कैन बी कॉल्ड एज आर जीरो वन आर जीरो टू एंड आर जीरो थ्री ओके बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन थ्योरी मैं बताऊंगी एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या है बाद में लेकिन अभी तुरंत नहीं

ये वाली जो रेट आई ना ये वाली रेट ये वन ईयर रेट है और ये टू ईयर फॉरवर्ड रेट है दिस हैली ईयर फॉरवर्ड रेट समझा आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूं सब में वन ईयर निकालने को बोला है टू ईयर निकालने को नहीं बोला वो राइट तो हियर वन ईयर फॉरवर्ड रेट इन ईयर टू तो इन ईयर टू बोलेगा ना तो आप एक साल पीछे जाना है दैट इन ईयर बोला मतलब एक पीछे जाना मतलब एफ टू थ्री अगर समय यह बोलता वन ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर ईयर टू तो टू थ्री होता वन ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर ईयर थ्री तो थ्री फोर होता इन ईयर टू तो एफ वन टू होगा इन ईयर थ्री तो एफ टू थ्री होगा इन होगा तो एक साल पीछे आफ्टर होगा तो एक साल आगे ओके okay? सब में यह पूछा है इम्प्लीसिड फॉरवर्ड रेट्स इन ईयर टू एंड थ्री इफ द इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज बाय ये मैं बाद में पढ़ती हूँ पहले अपन वो रेट्स निकालते हैं तो आपको क्या निकालना है एफ वन टू और आपको निकालना है एफ टू थ्री तो वन टू निकालने के लिए वी कैन यूज वन प्लस आर जीरो टू होल स्क्र वन प्लस आर जीरो वन एफ वन टू मतलब बेसिकली अगर आपको एफ वन टू निकालने को बोला है गाइस तो टाइमलाइन पे ऐसे आ जाएगा ना ये तो आपको ये पता है राइट और आपको यह निकालना है और आपको यह भी पता है इक्वेशन तो क्या बनेगी ये जो बड़ी वाली लाइन मैंने ली ना ये जो बड़ी वाली लाइन है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी मतलब वन प्लस आर जीरो टू होल स्क्वेयर बनेगा ओके और वो जो डॉटेड है उसमें इंप्लेसिड होना चाहिए देखो यहां पे वन प्लस आर जीरो टू होल स्क्र वन प्लस आर जीरो वन तो मतलब बेसिकली ये एक बड़ी लाइन हो गई और अगर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूं तो दिस इज योर कॉम्बिनेशन ये दो कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में आएंगे जीरो से वन और वन से दैट्स इट ओके तो वन प्लस एफ वन टू वन पॉइंट वन वन टू फाइव होल स्क्वेर एंड वन पॉइंट वन जीरो फाइव वन प्लस एफ वन टू राइट तो वन प्लस एफ वन टू निकाला ये आ गया ट्वेल्व परसेंट वैसे भी कर सकते थे देखो आप यहां पे आपको करके दिखाती हूं मैं अगर आप दो साल के लिए पैसे लगाते हो तो 11.25 पॉइंट टू प्लस इलेवन पॉइंट दो बार मिलेगा ना आपको तो ये हो गया 22.5 ओके okay, और उसमें से 10.5 माइनस कर रही हूँ अगर मैं दूसरे मेथड से जाती हूँ आर जीरो वन माइनस किया तो रेट क्या होनी चाहिए बारह वैसे भी बारह आ रहा है या फार्मूला से जाओ तो भी बारह आ रहा है ये देखो बारह आ गया अब एफ निकालना है अगर तो वापस से लाइन लेती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे तो ये हो गया जीरो ये हो गया वन ये टू और ये थ्री तो ये बेसिकली अपने को एफ टू थ्री बोला है ना समय एफ टू थ्री चाहिए तो ये डॉटेड लाइन हो गई आपके एफ टू थ्री ये पहले यहां ड्रॉ कर दो अब यहां पे एक ये ले लो और एक यहाँ नीचे बड़ी ले लो खत्म ये तो करना अपने को सो दिस लाइन ओके वी हैव टू कंप्यूट द डॉटेड लाइन तो आपकी जो बड़ी वाली लाइन का जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और दो का कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में आएगा तो वन प्लस आर जीरो थ्री आया लेफ्ट में एंड वन प्लस आर जीरो राइट में रेट बिठाओगे थर्टीन पॉइंट फाइव टू की मिल जाएगी दैट्स ऑल अगर नहीं समझा है तो कैन जस्ट मेल मी और व्हाट्सएप एप में आई कैन एक्सप्लेन और आई कैन डू अ मोर डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो यहाँ पे इससे ज्यादा समय एक्सपेंड नहीं कर सकती बिकॉज और भी टॉपिक्स हमें हैंडल करने हैं, हैं। सब में लिखा है एक और बात यहाँ पे इंड ऑफ uh, kind of, दिखाती हूँ मैं समय so, एक बात और लिखी है लिखा है इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाई फिफ्टी बेसिस पॉइंट वॉट विल बी दर्सेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड हैविंग अ मेच्योरिटी ऑफ फाइव ईयरस अज्यूम द बॉन्ड इज फेयरली प्राइज एट द मोमेंट एट रूपीज वन थाउजेंड समय क्या बोला है व्हाट विल बी दर्सेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड हैविंग अ मेच्योरिटी ऑफ फाइव ईयर अगर मार्केट में ब्याज का रेट पचास बीपीएस यानी पॉइंट फाइव परसेंट से अगर बढ़ गया तो बॉन्ड में कितने परसेंटेज की प्राइस का चेंज आएगा पहली बात अगर ब्याज बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी आई होप वी रिमेंबर दैट अज्यूम द बॉन्ड इज फेयरली प्राइज एट द मोमेंट एट वन थाउजेंड सबसे पहली बात कि बॉन्ड की मेच्योरिटी पांच साल है तो बॉन्ड की मेच्योरिटी अगर पांच साल है गाइस तो वाई क्या होगा थ्री इयर्स इन अबव के लिए वाई टी एम बारह परसेंट है आप नोटिस करना दो तीन बातें आ रही है एक साथ एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग अ बिट मोर वर्कडअप सबसे पहली बात फाइव ईयर्स तो पांच साल वाले बॉन्ड का आपको बताऊं एक बात मैं लिख के दिखाती हूं पॉसिबिली जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो यहां पे हजार रुपया बोल रहा है वो प्राइस है हजार रुपया ओके okay. और बोल रहे द बॉन्ड इज फेयरली प्राइज्ड एट जीरो इसका मतलब आपको आपको समझता है एक बात वेन कूपन रेट इज इक्वल टू वाई टी एम द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू ये पता है आपको लॉजिक रिलेशनशिप दिस इज रिलेशनशिप एक्चुअली अगर आपका कूपन रेट लॉ सिंपल लॉजिक है ना गाइज अगर आप 12 परसेंट कूपन आपको मिलेगा आप 12 12 12 12 लिखोगे और 12 से डिस्काउंट करोगे तो आपको सौ ही आएगा या हजार ही आएगा ना यान अगर वन ट्वेंटी होगा सपोज हजार का बॉन्ड है तो एक सौ बीस 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 और हजार और आप उसको ट्वेल्व परसेंट से डिस्काउंट करोगे तो आपको हजार ही आएगा ना obviously बात that means when coupon rate is equal to YTM, the price of the bond should be equal to the face value, given the condition that the bond should be redeemed at par, matlab यहाँ पे होना चाहिए 120, 120, 120, 120, 120 plus हजार, bond should be redeemed at par, यहाँ पे ये value हजार से अलग नहीं हो सकती, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट प्राइस ऑफ थाउजेंड ओनली मतलब अगर मैं लिखूँ 120 ट्वेंटी इंटू पी वी ए ट्वेल्व परसेंट कॉमा फाइव प्लस वन थाउजेंड इंटू पी वी आई एफ ट्वेल्व परसेंट कॉमा फाइव बिलीव मी गाइस आप चेक करो यू आर गोइंग टू गेट वन थाउजेंड ओनली तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर समय उन्होंने बोल दिया कि आपकी हजार प्राइस है बॉन्ड इज फेयरली प्राइज्ड एट थाउजेंड तो आप क्या अज्यूम करोगे अपन को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाई फिफ्टी बीपीएस वॉट विल बी दर्सेंटेज चेंज इन द प्राइसिंग मेचोरिटी ऑफ फाइव इस्यूम बॉन्ड इज फेयरली प्राइज्ड एट द मोमेंट एट थाउजेंड ओके अगर बॉन्ड की प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है इसका मतलब है कि बॉन्ड का वाईटीएम और कूपन रेट सेम है तो बॉन्ड का वाईटीएम क्या है बॉन्ड का वाईटीएम है 12 क्यों थ्री इयर्स एंड अबव हमारा बॉन्ड है फाइव इयर्स के लिए तो थ्री इयर्स एंड अबव के लिए वाईटीएम है 12 परसेंट एंड बिकॉज द बॉन्ड इज फेयरली प्राइज कूपन इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेल्व आई होप यू गेट इट बोल रहा है अगर ऐसे बॉन्ड का वाई अब बारह नहीं साढ़े बारह हो गया तो बताओ बॉन्ड की प्राइस क्या होगी या बताओ बॉन्ड की प्राइस कितने से नीचे गिर जाएगी बॉन्ड की प्राइस गिरेगी बिकॉज ब्याज ऊपर जा रहा है ओके सो व्हाट डू डू आई नाउ लुक एट दैट सिंस द बॉन्ड इज फेयरली प्राइज एट थाउजेंड इट मीन कूपन रेट इज इक्वल टू वाई टी इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट इफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 50 बीपीएस द न्यू YTM टी एम विल बी ट्वेल्व प्लस पॉइंट कूपन चेंज नहीं होगा इट इज अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होता है कूपन कंपनी ने एक बार इश्यू कर दिया बॉन्ड को बॉन्ड डीड पे आपने साइन कर दिया कूपन चेंज नहीं होगा ब्याज चेंज होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होगी उसकी वजह से बॉन्ड की प्राइस फ्लक्चुएट करती है मार्केट के अंदर ओके सो ट्वेल्व पॉइंट फाइव से डिस्काउंटिंग करूंगी तो आएगा नाइन एटी टू इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर बढ़ा तो बॉन्ड की प्राइस नीचे चले गई आपको पता है ये भी क्यों मैं इतना बोल नहीं पा रही बिकॉज टाइम बहुत कम है क्योंकि आप समझो मार्केट में मार्केट में ब्याज का रेट बारह परसेंट था जब आपने बॉन्ड खरीदा तो आपने हजार में खरीदा आप हजार में खरीदे आपको 120 120 120 120, 120 और हजार मिलता तो आप बारह कमा रहे हो आपको बारह ही कमाना बिकॉज मार्केट में ब्याज का रेट बारह चल रहा है अब क्या हुआ कि मार्केट में ब्याज का रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% परसेंट से बढ़ के ट्वेल्व हो गया तो जो भी आदमी अब मार्केट में है जो भी इन्वेस्टर है अब वो 12 में खुश नहीं है उसको 12 एंड हाफ की रेट परसेंटेज रेट चाहिए ओके उसके लिए वो हजार में बॉन्ड नहीं खरीदेगा अगर वो हजार में खरीदेगा तो उसको 12 मिलेगा उसको खरीदना पड़ेगा 982.2 में अगर वो 982.2 में बॉन्ड खरीदेगा और हर साल पांच सालों तक एक सौ रुपए रिसीव करेगा प्लस रिडेम्शन हजार में करेगा तब जाके वो 12.5 कमाएगा आर यू फाइन अगर आप दाम नहीं कम करोगे तो आपका बॉन्ड नहीं बिकेगा ओके okay, तो ये परसेंटेज फॉल इन द प्राइस इज 1.78 परसेंट मतलब आपके बॉन्ड की प्राइस 1.78 परसेंट से नीचे चली जाएगी गैस इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन सम एक्चुअली जहां पर हमने स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स भी बढ़ा एंड देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट द दिस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको ये मुझे आगे बहुत काम आने वाला बिकॉज मैं आपको लास्ट टॉपिक जो इसमें होगा बॉन्ड में वो कन्वेक्सिटी पढ़ाने वाली हूँ आई एम श्योर आपको वहां बहुत काम आएगा प्लीज होल्ड ऑन लेट्स गो हैड बिकॉज वी डू नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम एंड वी आर ऑलरेडी हम दो घंटा खत्म कर चुके जो हमने अलॉट किया था बट आई एम नॉट टू वरीड बिकॉज जो भी अपन करेंगे आई होप अपने को अच्छे से करना चाहिए सिर्फ दो घंटे में टॉपिक खत्म करने से नहीं होगा आधे घंटे पौना घंटा अगर ज्यादा जाता है लेकिन टॉपिक अगर अच्छे से होता है तो वो ज्यादा अप्रिशिएट करोगे आई एम sure श्योर जिस तरह से मैं सोच रही हूँ उसी तरह से आप भी सोच रहे हो ओके लेट्स गो हैड आ okay. रहा है कॉलेबल एंड बॉन्ड एंड पुटेबल बॉन्ड मैंने सम्स तो मुझे ऐसे मैंने देखे नहीं बट मैं डिस्कस करके छोड़ती हूँ क्या होता है कॉलेबल बॉन्ड एंड क्या होता है पुटेबल बॉन्ड अगर मार्केट में ब्याज का रेट गिरने वाला होगा याद रखना गिरने वाला होगा और कंपनी को आज ही बॉन्ड्स रेज करना है तो अगर आज मार्केट में ब्याज का रेट ज्यादा है तो कंपनी ज्यादा रेट पे कूपन ज्यादा रेट पे मतलब ज्यादा कूपन पे बॉन्ड इश्यू करना पड़ेगा लेकिन कंपनी को पता है कि यार दो साल के बाद तो बॉन्ड का आ, ये मार्केट का ब्याज गिर जाएगा तो आई विल बी गेटिंग अ स्टॉक विद अ हाई कूपन हाई कॉस्ट ऑफ फंड इन माई पी एंडल स्टेटमेंट तो कंपनी क्या करेगी अपने बॉन्ड इंडेंचर में बॉन्ड का जो डीड है जो कंपनी और हमारे बीच में साइन होगा अगर हम बॉन्ड खरीदेंगे तो उसमें एक, एक उसमें डिस्लेमर uh, डाल के छोड़ेगा उसमें कुछ एक पॉइंट मेंशन करेगा और हम साइन कर रहे हैं तो हमें अग्री भी करना पड़ेगा कि एक लॉक इन पीरियड लाइक दो साल या तीन साल की लॉक इन पीरियड के बाद कंपनी जब भी चाहेगी अपने बॉन्ड को कॉल बैक कर सकती है मतलब आपका पैसा आपको मिल जाएगा मेच्योरिटी के पहले और आप आप, आप उस उसपे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते बिकॉज आपने साइन किया है तो वॉट इज अ अलेबल बॉन्ड अ बॉन्ड विच कैन बी रिडीम्ड बिफोर मेच्योरिटी बट आफ्टर द लॉक इन पीरियड

द बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड बिफोर मेच्योरिटी बट आफ्टर द लॉक इन पीरियड कॉलेबल बॉन्ड कैन बी इश्यूड बाई अ हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनी आप क्या बोलोगे एक तो कंपनी अच्छी नहीं है ऊपर से जब मन चाहे तो अब कॉल बैक करेगी मेरे को पैसे नहीं लगाने तो कॉलेबल बॉन्ड वो कंपनी इश्यू कर सकती है जिसकी क्रेडिट रेटिंग मार्केट में अच्छी है और वो जो चाहे मार्केट में बार्गेन अर्न कर सकती है बट पुटेबल बॉन्ड्स आर इशूड बाय दोज कंपनीज जिनके क्रेडिट रेटिंग मार्केट में इतनी अच्छी नहीं होती है और वो क्यों पुटेबल बॉन्ड्स इश्यू करेंगे आप सुनो वो अगर समझो कि मार्केट में ब्याज का रेट अभी दस चल रहा है लेकिन दो दो चार साल में बारह तेरह होने वाला है ट्वेल्थ थर्टीन होने वाला है तो आप कंपनी बोल रही है इन्वेस्टर्स को हमें कि भाई बॉन्ड खरीदो हम बोलेंगे नहीं हमको नहीं खरीदना बिकॉज आप तो मुझे जिंदगी भर के लिए बांध दोगे ना दस परसेंट पे और आगे मार्केट में ब्याज का रेट बढ़ेगा तो मेरे तो पैसे फंस गए तो कंपनी बोलेगी कोई बात नहीं है आप आज पैसा लगाओ आज से तीन साल के बाद लॉक इन पीरियड के बाद आप जब चाहो आप बॉन्ड को वापस करके अपना पैसा लेके जा सकते हो याद रखना कभी भी नहीं जा सकते वो विंडो ओपन होते हैं तीन साल के बाद साल के बाद आठ साल के बाद कभी भी कोई जाकर के इस तरह से अगर पैसे मांगेगा तो वो पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए सो वॉट इज पुटेबल बॉन्ड

लेकिन सम्स uh, इंस्टीट्यूट के नहीं देखे मैंने कभी तो मैंने अपने पास में से रेगुलर वालों को दो तीन सम कराए हुए हैं इन दिस कैटेगरी बट यहाँ पे मैंने थियरी डिस्कस किया है गाइस और थियरी में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके तो प्लीज बेयर विथ मी आई मतलब आई एम लाइक वेरी वेरी लाइक क्या बोलूँ मैं आपको हाथ बंधे हुए मेरे बहुत ज्यादा ओके okay. आप प्लीज़ पॉज करके एक बार रिविजन करो उसके बाद आगे पढ़ो मेरे साथ में दो मेन टॉपिक बचे हुए हैं एक का नाम है बॉन्ड रिफंडिंग और एक का नाम है कॉन्वेक्सिटी दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो मैं स्टार्ट कर रही हूं बॉन्ड रिफंडिंग अगर आपको रिवाइज करना है तो आप पॉज करो रिवाइज करो और फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करो ओके वॉट इज बॉन्ड रिफंडिंग अब सुनना ध्यान से मैं एक काम करूंगी मैं ये जो मैंने लिया है इसको यूज करके मैं एग्जाम्पल आपको सुनाती हूं ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा राइट बॉन्ड रिफंडिंग ऐसा बॉन्ड जिसको कॉल बैक किया जा सकता है आपको बता देती हूं कि बॉन्ड रिफंडिंग आज के दिन इंडिया में बैन हो चुका है क्योंकि क्या है ये बॉन्ड रिफंडिंग वो सुनो ये लोग क्या करते थे कंपनीज क्या करती थी कि एक हाई कूपन बॉन्ड इश्यू करते थे ताकि लोग अट्रैक्ट होके इनके बॉन्ड खरीदे और इनके पास पैसा आ जाए और अब तीन चार साल के बाद ये लोग बॉन्ड को रिडीम करते थे कॉल बैक कर लेते थे कॉलेबल बॉन्ड इशू करते थे तो जो आज के दिन कॉलेबल बॉन्ड्स अलाउड है वो कौन से बॉन्ड्स हैं वो वो वाले बॉन्ड्स हैं जो ट्रांचेस में रिडीम किए जाते हैं वन शॉट रिडीम नहीं किए जाते वो ट्रांचेस मतलब कम मतलब आरबीआई ये बो, बोलती है आप पैसा कमाओ और फिर रिडीम करो ओके विच इज फाइन और ट्रांचेस का मतलब क्या हुआ थोड़े थोड़े करके अगर एक करोड़ का है तो एक साल दस लाख करो फिर आप दस लाख करो इस तरह से और वो भी लॉटरी सिस्टम से ताकि अनबायस्ड डिसीजन हो सके बॉन्ड रिफंडिंग में ये केस नहीं है बॉन्ड रिफंडिंग में कैसा है फॉर एग्जाम्पल इस सम के अंदर में कंपनी ने एक तीस साल थर्टी ईयर का बॉन्ड इशू किया फाइव ईयर्स के बाद आफ्टर फाइव ईयर्स कंपनी ने क्या किया एक नया सीरीज इशू किया बॉन्ड का पुराने के रहते हुए ओके okay. तो पुरानी सीरीज का कूपन रेट था 14% परसेंट और नई सीरीज का कूपन है 12% परसेंट बची हुई मेच्योरिटी कितनी है 25 फाइव की मेचोरिटी अभी भी बची हुई है ओके okay. तो ये लोग क्या करेंगे कि ये जो नया इश्यू लाएंगे बॉन्ड का उस पैसे से पुराने वालों को रिडीम कर देंगे ये वाली चीज आज के दिन आर ने बैन कर दी और मेरे हिसाब से वो गलत भी है बिकॉज इस तरह से तो आप इन्वेस्टर को बेवकूफ बना रहे हैं ना बेसिकली यू कान डू दिस आपको जब चाहिए था आपने ले लिया बिकॉज इन्वेस्टर भी आ, इन्वेस्टर को पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं तो आप इस तरह से अचानक से कॉल बैक करोगे आपको कॉल बैक करना है, आप कमाओ और फिर पैसे वापस करो आप न्यू सीरीज ला करके लो कूपन रेट पे अगर आप पुराने वालों को रिडीम करते हो तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है दिस सम इज ऑल अबाउट दैट लेकिन जब वे अपन सम कर रहे हैं तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द लिगैलिटी ऑफ द सिचुएशन एक्चुअली हम एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इवेलुएट कर रहे हैं तो आपको सम समझाती हूँ फिर मैं पूरा सम आपको फॉर्मेट में करवाने वाली हूँ फॉर्मेट बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज अगर वो चीज उसमें सम में नहीं दे रखी है तो आप डैश करके आगे निकलना बट द क्वेश्चन हैज टू मूव इन फॉर्मैट ओनली ओके वट इज द एग्जाम्पल ऑल अबाउट इसमें uh, मैं पढ़ती हूँ सम आपके साथ में एंड बिफोर आई गो हेड लेट मी टेल यू दैट दीज सम्स आर सोल्ड एज पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक मतलब क्या कि जब आप पांच सालों के बाद बॉन्ड को कॉल बैक करना चाहते हो या बॉन्ड को रिफंड करना चाहते हो न्यू सीरीज ऑफ बॉन्ड से तो आपके पुराने बॉन्ड्स के बहुत सारी चीजें पेंडिंग है राइट ऑफ नहीं हुआ है अगर आप न्यू बॉन्ड लाओगे तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे राइट तो बहुत सारा आपको uh, एंड इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन एक्चुअली तो वन विल बी इनिशियल आउटफ्लो मैंने बोला आपको वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग एनपीवी में दो पार्ट होते हैं एक होता है इनिशियल आउटफ्लो और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इस सिचुएशन में इनिशियल आउटफ्लो क्या होगा अगर आप अगर आप बॉन्ड्स को पुराने बॉन्ड्स को कॉल बैक करोगे तो आपको पुराने लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ेगा बिना प्रीमियम के आप 25 साल पहले बॉन्ड को कॉल बैक नहीं कर सकते वो आपका खर्चा है अगर आप नए बॉन्ड्स लाओगे तो आपको मर्चेंट बैंकर हायर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट पे करने पड़ेगी वो भी खर्चा है अगर आप न्यू बॉन्ड्स लाते हो तो पुराने बॉन्ड का जाना और न्यू बॉन्ड का आना पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं करेगा दो चार महीने ऐसे होंगे जहां पे दोनों बॉन्ड पे आपका ब्याज अक्रू करेगा ओके okay, नए वाले का हमें प्रॉब्लम नहीं है बट पुराने वाले का ब्याज अपने लिए लोड हो जाएगा इन दैट सिचुएशन देयर विल बी ओवरलैपिंग इंटरेस्ट वो भी एक होगा आपका खर्चा उसके बाद पुराने बॉन्ड्स जब आपने पांच साल पहले इश्यू किया था तब भी आपने फ्लोटेशन कॉस्ट पे किया था राइट पैसा तो उस वक्त पे कर दिया बट आपकी पच्चीस साल का अनरिटर्न अनएमोटाइज अमाउंट बाकी है उसको करना पड़ेगा रफा दफा उसके बाद अगर आपने पुराना बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किया था पांच साल पहले तो लॉस तो उसी वक्त हो गया था लेकिन वो भी उसका 25 साल का अनएमोटाइज पोर्शन अभी पेंडिंग है तो गाइस ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा इनिशियल आउटफ्लो उसके बाद सेविंग्स क्या होगी जो कूपन आपका पुराने बॉन्ड पे था 14% परसेंट नए बॉन्ड पे है 12% परसेंट वो जो डिफरेंस है जो आप सेव करोगे अगले 25 सालों तक वो आपकी सेविंग्स होगी एंड प्लस माइनस सो मोर एडजस्टमेंट्स ओके अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स आपके इनिशियल आउटफ्लो से ज्यादा है इन दैट सिनेरियो वी वुड रिकमेंड द फर्म टू गो अहेड विथ बॉन्ड रिफंडिंग ओके अदरवाइज वी वुड से प्लीज डू नॉट गो फॉर न्यू सीरीज ऑफ बॉन्ड स्टिक द ओल्ड बॉन्ड्स ओके पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एमएस ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कॉन्टेप्लेटिंग कॉलिंग थ्री करोड़ ऑफ थर्टी इयर रुपीज वन थाउजेंड बॉन्ड यू शुड फाइव इयर अगो विदन इंटरेस्ट ऑफ फोर्टीन परसेंट द बॉन्ड है कॉल प्राइस ऑफ रुपीज वन वन फोर जीरो देखो आप वन वन फोर जीरो यानी वन फोर्टी रुपीज इज अ प्रीमियम कॉम्पोनेंट एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड ऑफ रुपीज टू पॉइंट नाइन वन करोर ड्यू टू अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज थर्टी पर बॉन्ड पुराने वाले बॉन्ड डिस्काउंट पेश हुए थे द इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट इज रुपीज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड द कंपनी इंटेंड्स टू सेल रुपीज थ्री करोड़ ऑफ ट्वेल्व परसेंट कूपन रेट ट्वेंटी फाइव ईयरस बॉन्ड टू रेज फंड फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड्स देखो लिखा हुआ है यहाँ पे it proposes to sell the new bonds at their par value of rupees 1000 the estimated flotation cost is 4 lakh the company is paying 40% tax and its after tax cost of debt is 8% as the new bonds must be sold and their proceeds then used to retire the old bonds the company expects a 2 month

फेस वैल्यू हजार रुपया है तो कितने बॉन्ड थर्टी थाउजेंड आप करके देखो करोड़ बाय गिव यू कैसे हजार बॉन्ड पे आपको वन फोर्टी का प्रीमियम पे करना है कल से स्टार्ट थर्टी थाउजेंड इन वन फोर्टी आपका प्रीमियम का खर्चा कैश आउटफ्लो है फोर्टी टू लैख लेकिन आपको पता है ये फोर्टी टू लैख आप पी एंड एल में राइट ऑफ कर सकते हो तो जैसे ही आप पी एंडल में इस साल के पी एंडल में 42 लाख ,00 रुपीस आप पोस्ट करोगे आपकी टैक्सेबल इनकम 42 लाख ,00 से नीचे जाएगी एंड यू विल हैव अ टैक्स बेनिफिट ऑफ 40% परसेंट यानी इन टू फोर्टी परसेंट यानी सोलह लाख अस्सी हजार सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड रुपीज विल बी सेव्ड फ्रॉम गोइंग टू द टैक्स डिपार्टमेंट आपका सोलह लाख अस्सी हजार रुपया टैक्स डिपार्टमेंट को जाने से बच जाएगा दैट मीन्स आपने फोर्टी टू रुपीस रुपीज पूरे पे नहीं किए आपके घर से फोर्टी टू लाख रुपीज पूरे नहीं गए आपके घर से कितने गए फोर्टी टू लैख माइनस सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड आपके घर से गए ट्वेंटी फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड लुक एट दैट ये देखो आप ओके फोर्टी एट लैक्स 60 सिक्स परसेंट बिकॉज फोर्टी परसेंट का कैश सेविंग है प्लस आपको न्यू uh, बॉन्ड्स पे पे करना पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फोर लाख चार लाख रुपया आज की आज पे करना पड़ेगा ये भी आपका कैश आउटफ्लो है आपको पता है एक बात दो महीने का ओवरलैपिंग है दो महीने का ओवरलैपिंग है अगर दो महीने का ओवरलैपिंग है तो मतलब आपके पुराने बॉन्ड पे भी ब्याज चलेगा और आपके नए बॉन्ड पे भी ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा तो हम लोगों ने पुराने वाले लिए हैं नया वाला नहीं लिया आपको पता है क्यों क्योंकि आपने नए वालों से पैसे अब भी लिए कूपन इसी साल थोड़ी दोगे कूपन तो अगले साल दोगे लेकिन पुराने वालों को तो निकालना है ना दे करके तो उनका सिर्फ दो महीने का ब्याज दैट मींस थ्री इंटू फोर्टीन परसेंट इंटू टू डिवाइड बाई ट्वेल्व ये हो गया दो महीने का ब्याज ओके okay? ये हो गया दो महीने का ब्याज लेकिन यह ब्याज आपका जाएगा इसी साल के पी एंडल में और आपका उतने अमाउंट से टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा एंड यू आर नॉट पेइंग द होल अमाउंट आपको 40% परसेंट के टैक्स बेनिफिट मिलेगी यू विल बी पेइंग ओनली 60% परसेंट एंड यू नो व्हाट व्हाट इज दैट अमाउंट दैट अमाउंट इज फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड थ्री सी आर इंटू फोर्टीन परसेंट इंटू टू डिवाइड बाई ट्वेल्व ओके एंड इन टू पॉइंट सिक्स विल गिव यू फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड यानी चार लाख बीस हजार रुपया घर से जाएंगे कैश के नाम पे टैक्स एडजस्ट करने के बाद वो भी क्योंकि तो चालीस परसेंट आपका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा राइट उसके बाद ये तीनों हो गए आपके खर्चे पैसे जाएंगे उसके बाद मैंने क्या लिया है टैक्स बेनिफिट ऑन अनएमोटाइज पोर्शन ऑफ रोटेशन कॉस्ट आपने थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड पांच साल पहले पे कर दिया था पैसा चला गया है उसका टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है अगर वो बॉन्ड्स रहते तो मैं धीरे धीरे करके अगले 25 सालों तक लेती रहती लेकिन क्योंकि अब अगले साल से मुझे नए बॉन्ड्स को एमोटाइज करना है इसी साल जितना भी अनएमोटाइज पोर्शन है वो एक साथ पी एंडल में अपन पुश कर देंगे एंड दैट विल लीड टू टैक्स बेनिफिट तो थ्री डिवाइड बाई थर्टी ईयर तीस साल के बॉन्ड थे बाकी कितना है इंटू ट्वेंटी यानी तीन लाख के जितना अमाउंट हमने पीएनडएल में पोस्ट ही नहीं किया है जैसे ही तीन लाख में पोस्ट करूंगी वैसे ही मुझे टैक्स बेनिफिट आएगा ध्यान रखना गाइस जो पैसे आज जा रहे हैं लाइक प्रीमियम लाइक ओवरलैपिंग इंटरेस्ट उसपे आज के आज पैसा भी जाएगा और टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा जो पैसा पहले जा चुका और आज पी एंडल में पोस्ट हो रहा है तो पैसा पहले जा चुका टैक्स बेनिफिट आज मिलेगा ये ध्यान रखना आप तो तीन लाख इंटू फोर्टी परसेंट का यानी एक लाख बीस हजार का टैक्स बेनिफिट मिलेगा सेम फॉर डिस्काउंट थर्टी रुपीज का डिस्काउंट ऑन थर्टी थाउजेंड बॉन्ड डिवाइड बाई थर्टी ईयर्स इंटू ट्वेंटी फाइव ईयर्स इंटू फोर्टी परसेंट यह बेनिफिट हो गए यानी कि हमें अगर हमने आज बॉन्ड को रिटायर किया देन वी वुड बी वी वुड बी पेइंग हार्ड कैश ट्वेंटी नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टू डे इट सेल्फ ये इनिशियलो हुआ अगर आप, अगर आप आ, नए बॉन्ड्स को लाओगे तो कूपन आपको, आपको की वो कैलकुलेट करना अभी बाकी है तो क्या इनिशियलो हो गया अभी अभी आपको कैपिटल बजट में पता होगा कि से जाते हैं राइट तो मैं क्या करने वाली हूँ पर्टिकुलर अगर ओल्ड बॉन्ड रखा तो हर साल कितने पैसे जाएंगे कैश गएल वाला नहीं कैश और अगर न्यू वालों को लाया तो कितने पैसे जाएंगे ओके नाउ लुक एट दैट अगर हमने अगर हमने पुराने वालों को रखा तो थ्री करोड़ इंटू फोर्टीन परसेंट का कूपन हर साल जाएगा टैक्स बेनिफिट लेने के बाद घर से जाएंगे ये वाले पैसे अगर नए वाले लाए तो ये जाएंगे अगर हमने पुराने वाले को रखा तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट का जो अमोर्टाइजेशन है वो धीरे धीरे करते रहेंगे ना अपन तो थ्री लैख सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी ईयर्स एन एम पीएनएल में कितना डालोगे बारह हजार तो बारह हजार इंटू चालीस परसेंट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको चार हजार आठ सौ का और यहां पच्चीस साल से डिवाइड किया बिकॉज न्यू बॉन्ड्स आर फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड का पुराने वाले बॉन्ड्स पे हमने डिस्काउंट भी दे रखा है तो so ऑब्वियसली वो भी टैक्स बेनिफिट हमको मिलेगी यहां पे है बारह हजार की दैट मीन्स अगर हमने अगर हमने पुराने बॉन्ड्स को रखा तो हर साल पच्चीस सालों तक ये पैसे हमारे घर से जाएंगे अगर नए वाले लाया तो हर साल इतने जाएंगे बेनिफिट कितने का है पर एनम पर एनम बेनिफिट इज दिस वन डिफरेंस बिटवीन द टू नाउ थ्री लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वुड बी सेव्ड एवरी ईयर फॉर ट्वेंटी फाइव ईयरस तो इसका हमको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ट्वेंटी फाइव ईयर्स का अगर एनुटी वैल्यू लेते हैं थ्री फोर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड का तो हमको मिल जाएगा लुक एट दैट थ्री फोर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड एट परसेंट दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव ईयर्स आई गेट दिस वन यानी ये हम जीरो पे खड़े होकर के हमने कैलकुलेट किया है आप इनिशियल आउटफ्लो माइनस करोगे आपको एनपी वी पॉजिटिव आ रही है बिकॉज द एन पी वी इज पॉजिटिव वी रिकमेंड द फर्म टू गो अहेड विथ बॉन्ड रिफंडिंग आई होप यू अंडरस्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप फॉर्मैट याद करो आपसे सम कभी गलत नहीं जाएगा सारी हेडिंग्स को याद कर लो आप ओके आई एम एक्सपेक्टिंग वन सम इन दमिंग एग्जाम में ये तो नहीं बता सकते कि न्यू में आएगा क्या ओल्ड में आएगा बट आएगा जरूर बिकॉज इट हैज बिन क्वाइट काफी दिनों से इन्होंने पूछा नहीं है तो आई एम एक्सपेक्टिंग वन सम इन द कैटेगरी एक्चुअली ओके आई थिंक वी हैव बिन लाइक गोइंग लाइक अ मैराथन गाइज सो ओनली वन टॉपिक इज पेंडिंग फॉर मी टू टीच टू कम्पलीट बॉन्ड्स एंड दैट इज कॉन्वैक्सिटिंग वेसिटी का टॉपिक मैं जरूर पढ़ाना चाहती हूँ बिकॉज एक्चुअली मुझे दो टॉपिक पढ़ाने थे इम्यूनाइजेशन ऑफ मैंने जब मैंने शुरू में आपको वो जो सिलेबस दिखाया था तो उसमें मैंने वो लिया है ओके okay? बट मैं पढ़ाने के समय नहीं ले पाई बिकॉज मेरा टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और मैं इसे फास्ट नहीं जा सकती थी बिकॉज आपको फिर कुछ भी नहीं समझता तो मैंने वो वाला टॉपिक लिया जो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए बिकॉज वो कहीं और अवेलेबल नहीं है ना तो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में अवेलेबल है ना आपके मॉड्यूल में अवेलेबल है और कहीं और लेक्चर्स में भी अवेलेबल इतना ज्यादा नहीं है और एक और टॉपिक है वो लास्ट वाला जो था इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रीम ऑफ लाइबिलिटीज़ मैचिंग ऑफ़ ड्यूरेशन ऑफ एसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी वो मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ वो आप YouTube से देख लो वहाँ पे मैंने डी ए इक्वल टू डी एल करके एक वीडियो डाल रखा है मैं आपका जो फोल्डर होगा बॉन्ड का उसमें मैं वो डलवाऊंगी अपने टेक्निकल पर्सन को बोल के तो आपको इसमें भी मिल जाएगा या आप YouTube पे भी जा करके मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक कन्वेक्सिटी